Tamadidevam purusho puranam tamalvarnam suhitavataram apar sansar samundra setum bhajamahe bhagavato sarupam. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne kehte hain Srila Vedavyas ji Maharaj tamam duniya ka samne ek prarthana prastut kar rahe, sab koi ko ahvan kar rahe, bula rahe, aap log aa jao, hum log ek saath वो परम तत्व वस्तु, परम सत्य वस्तु, ये परम सत्य वस्तु का ध्यान लगाए। कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहाँ है, कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहाँ है, पोपा जी कहते हैं इसी का नाम है माया। This is called Maya. भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, ये सब करने के लिए मेरा पास टाइम नहीं है, इसी को बोलता है माया, इल्यूजन। ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है, ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है जो इसका पास कोई टाइम नहीं है। जब मौत आ जाए तब तो कह नहीं सकेगा कि हमारा पास टाइम नहीं है, ये संभव नहीं। खंडो अखंड वस्तुओं का ध्यान करना, परात्पर अखिलेश्वर, जिसका बारे में सुबह में भगवत जी महापुराण का पहला श्लोक जो है बताया था, विचार भी थोड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पहला जो श्लोक है श्रीमद् भागवत जी महापुराण, ये तो गायत्री है ही है, मंगलाचरण भी है। मंगलाचरण कई किस्म का होता है, वस्तु निर्देश आदि प्रार्थना बहुत किस्म का, ये सब बारे में चर्चा करने जाए तो समय ले, बहुत समय चला जाए। तो ये गायत्री तो है ही है, सुबह में बताया, साथ ही साथ संबंध विधेय प्रयोजन जो ज्ञान जो है इसका इंडिकेशन, इसका सूचना दिया गया। आम आदमी कहे कि महाराज कहां संबंध विधेय प्रयोजन आपको मिला, हमको तो दिखाई नहीं पड़ा। अंधा आदमी कैसे देखे, ये दोनों आंखों के द्वारा क्या क्या देख सकते हो, व्हाट यू कैन सी, क्या क्या चीज आप देख सकते हो ये आंखों के द्वारा, ये मन की द्वारा, मन के द्वारा कहां तक आप चिंता कर सकते हो, व्हाट इज योर लिमिटेशन। जितना सारे सेंस ऑर्गन है, जितना सारे आपका सेंस ऑर्गन है, उसका साथ माइंड, मन जो है उसको एकादश इंद्रियों बोला गया। सारे आपका इंद्रिया जो है, मन जो है, दे आर वर्किंग अंडर सम लिमिटेशन, एक लिमिटेशन का अंदर काम करता है। जितना सारे आपका इंद्रिया है, मन है, जो कुछ भी है, इनके जो कैपेसिटी है लिमिटेशन का अंदर है। हम का सुबह में भी चर्चा कर चुके हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर, जिसका बारे में भगवत जी का महापुराण पहला स्कंदो पहला श्लोक में स्वराट बोला गया है, स्वराट। आज साथ ही साथ स्वभिज्ञ, ये जो सिम्टम है ये सब एक एक करके वर्ड को चुन चुन करने
विचार करना है। बोका आदमी तो करेगा नहीं। राम भजन का अलसी, भोजन का होशियार। भोजन मतलब ये भोजन नहीं है, भोजन इस व्यापक शब्द है। आंखों के द्वारा भोजन करो, सुंदर सुंदर रूप देखो, मस्ती करो। कानों का द्वारा भोजन करो, शब्द हो सब भोजन, भोजन का होशियार। सेंस ऑर्गन का वो नचाते फिरे, और इसमें बहुत होशियार है। लेकिन ठाकुर जी का भजन करने वो नाम मान, वो क्या होगा, बेकार। ऐसा विचार है। तो हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं, मन है, सब अंडर सम लिमिटेशन काम करता है। और जिसका बारे में चर्चा करने बैठे तो कहे कैसे कहे, वो तो स्वप्रकाश, स्वभिज्ञ, स्वराट, ये सब शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है। बट डायरेक्ट रियलाइजेशन नॉट कमिंग इन टू माई हार्ट। ये जो शब्द बोला पागल का माफी, क्या शब्द बोला, इसका क्या अनुभव आया तुम्हारे इधर में। हम जो बोला सत, जो सराट है, स्वभिज्ञ है, इसका द्वारा क्या क्या अर्थ आपका दिल में प्रकट हुआ। दुनिया का आदमी अपना विषय भोग को ही सर्वोच्च सर्वोच्च मान के बैठा हुआ है। यही सबसे बड़ा चीज है। विषयी आदमी, जितना सारे मेटेरियल आदमी हैं, जिनका जिनके बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंचा, भगवान तक तो दूर की बात है। ये हम मरने वाला है, आई एम गोइंग टू डाई, ये भी अनुभव नहीं हुआ। हुआ किसका हुआ बोलो। अगर किसी को ये बात का अनुभव होता डायरेक्ट, सारे पागलपंती बंद हो जाए। लाइफ इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग। जिंदगी जा रहा है आप खेल कूद में व्यस्त हो, कैसे होगा। स्वभिज्ञ सराट, अनंत ज्ञान का एकमात्र एकमात्र सोर्स, अनंत ज्ञानमय भगवान, अनंत ज्ञानमय भगवान, तमाम जहां जितना ज्ञान है, जो कुछ भी है, जो दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, कानों में सुनाई पड़ता नहीं सुनाई पड़ता, कुछ भी है, सब भगवान छोड़ के कुछ नहीं है। इसी को ही अद्वैय ज्ञान तत्व तो बोला जाता है। नौ द्वय, दो नहीं एक ही है। तमाम दुनिया में एक तत्व है, उसका नाम है अद्वैय ज्ञान तत्व। तो उसका बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला बात यह है, यन्मादसो यतो अन्वयादितराशात सविक सराट तेने ब्रह्म हिदाज आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो बारिमिदा यथा विनिमयोति सर्गहम सा धाम्ना सेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि परम सत्य वस्तु का ध्यान के लिए बताए। क्षुद्र जीव तमाम दुनिया का जो मूल विषय है, जो परम सत्य वस्तु, इसको इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा मेजरमेंट कर ले संभव नहीं। गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम परिकर जो भी है, हम विचार करके समझ लेंगे कैसे संभव है। जो तमाम ज्ञान का मूल विषय है, तमाम ज्ञान जहां से आया है, उसी विषय को तुम्हारा खुद ज्ञान माप ले, कैसे संभव है। संभव है? कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। जहां से तमाम दुनिया, जिसका बारे में भगवत ये श्लोक में बताया,
यन्वादस्सो यतो अन्मयादितराश्चार्थेषु सविज्ञता यन्वादस्सो यतो विश्वस्सो जन्मो आदि अस्सो कस्यो विश्वस्सो यतो जिसके द्वारा हो रहा। जिसके द्वारा संगठित हो रहा है तो यहां ये संबंधो विद्यो प्रयोजन का जो इंडिकेशन है इसका बारे में पहले हम बता दें, उसका बाद जन्मादश श्लोक का दूसरा किस्म का व्याख्या बड़ा मजेदार व्याख्या होगा। पहला ये है, ये सोचो मैया ने हमारा जन्म दिए, तो मैया हमारा जन्म दिए, ये मेरा मां है ना, ये तो संबंध हो गया। जब जन्मादस्यो यतो अन्वयात् जन्मो आदि अस्सो कस्यो विश्वस्सो यतो जिसके द्वारा हो रहा है, जन्मो स्थिति और भंग अर्थात विनाश जिसके द्वारा हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है ये जो जन्मो स्थिति भंगो जन्मो जन्मा जन्मादस्यो जो श्लोक बोला जन्म आदि, तुम क्या विश्व का बाहर हो, तुम क्या विश्व का बाहर हो, विश्व का तो बाहर नहीं। जैसे साल्वेक जी महाराज किए रोते रोते मुसलमान, साल्वेक जी महाराज बहुत सारे सुंदर घटना, उसको जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते और जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने जाकर रोना शुरू किया, ठाकुर जी आप क्यों जगन्नाथ नाम लिया ये पहले बताओ, जवाब दो, जब जगन्नाथ तुम्हारा नाम है क्या हम जगत जगत का बाहर है, हम जगत का बाहर है। हम क्या जगत का बाहर है, हम जो एक है आपका ही संतान, हम जगत का बाहर है, तो आप जगन्नाथ नाम लिया है तो हमारा भी आप जगन्नाथ जो है हमारा लिए भी जगन्नाथ है, ते आप जवाब दो। जगन्नाथ जवाब नहीं दे पाया इसलिए जल्दी अंदर से आकर गेट का सामने प्रकट हो गया, क्योंकि वो मुसलमान है उसको घुसने नहीं देगा, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे क्रिश्चियन भाई हो चाहे कोई जंतु हो जानवर हो कोई भी हो, सब भगवान का संतान है, सारे ठाकुर जी का संतान, किसी को मारने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। साल्वेक जी का लिए जगन्नाथ जी अंदर से दौड़ के आए और गेट का सामने पतित पावन रूप से रह गया। आज भी कोई क्रिश्चियन भाई मुस्लिम भाई कोई भी है जाए तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होते रहते बंद नहीं। तुम मेरा कहने का मतलब है जन्मादस्यो जो श्लोक बोला इसमें हम भी तो ये जगत का अंदर ही है, हम तो जगत का बाहर नहीं है। जब हम जगत का अंदर है तो ठाकुर जी का साथ हमारा संबंध क्या है, ठाकुर जी हमारा सृष्टि करता संबंध तो हो गया, तो संबंध कहां से हो गया, मैया ने मेरा जन्म दिए मेरा माता बस संबंध हो गया। तो जन्मादस्यो तो तुम विश्व का अंदर हो, सारे पानी इसका साथ भगवान ही एकमात्र संबंध है, ये संबंध जोड़ सको तो इट इज वेल वेरी गुड, ना सको तो मरो। हमारा बंगला में एक सुंदर कहन भोगार खाले डूबे मोर, भोगा भोगा मतलब ये भवसागर है इसमें डुबकी लगा के मर जा और कुछ देर का नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है। तो संबंध हो गया जन्मादस्यो जो तो हम तो सृष्टि का अंदर, हम सब ठाकुर जी का हर हालत में संबंध है और किसी वस्तु का संबंध नहीं। हैरान की बात यह है जो मेरा सबसे अपना चीज है, जो मेरा सबसे अपना चीज है उन्हीं का साथ मैं संबंध काट के रखा हूं और जिनका साथ मेरा तमाम अनंत ब्रह्मांडों में अनंत काल में जिन लोगों का साथ मेरा कोई संबंध है नहीं, वो चीजों का साथ वही वस्तु का साथ वही व्यक्ति का साथ मैं संबंध जुड़ के बैठा, इतना अकलमुंदी है, इतना बुद्धि कम है। जिनका साथ मेरा संबंध अनंत काल से बने हुए है और मैं इच्छा करने से भी ये संबंध नाता तोड़ नहीं सकता, आई कैनॉट ब्रेक दिस रिलेशन। ठाकुर जी का साथ मेरा रिलेशन हम तोड़ना चाहे तो वो भी संभव नहीं, कैसे तोड़ोगे, तुम्हारा अंदर में बैठा हुआ है कैसे तोड़ोगे बोलो, तुम छोड़ोगे ठाकुर जी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा अंदर है, नरक में जाओगे उधर भी ठाकुर जी है,
तुम्हारा कष्ट मिलेगा। ठाकुर जी बोले देखो कितना कष्ट कर रहा है, हम तो कष्ट करने के बोला नहीं, आपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है। तो जिसका साथ हमारा अनंत काल का संबंध है उसी को ही मैं काट के फेंक दिया, और जिन चीजों का साथ जिस वस्तु का साथ मेरा कोई संबंध नहीं, कोई बेमतलब, सब संबंध जोड़ के हम मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, व्यस्त हो गया, क्या होगा बोलो तुम्हारा। तो संबंध ज्ञान हो गया, जन्मादस्य यतो अनुमादित राश आस स्विज्ञ सराड, और ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रेरणा दिया, ब्रह्मा का ज्ञान में क्या दिया, तेने ब्रह्म यदा जो आदि कवय मुह्यंती हा जत सूर्य। तो ब्रह्मा का हृदय में जो तत्व ज्ञान का स्फूर्ति प्राप्त कर दिया, स्फूर्ति करा दिया, उसका मतलब क्या है, तुम्हारा साथ पोथी देवता का संबंध है, शादी हुआ है, ये पोथी का सेवा करना चाहिए, संबंध हुआ तभी तो उविदेव हो रहा है। उविदेव किसको बोलता है, कभी सोचा ही नहीं, काम धंधा में बिजी है, अरे सोचो तो सही, हमारा साथ संबंध हो तब उविदेव शुरू होगा, यदि अगर संबंध ना होए तो उविदेव का स्टार्टिंग हो नहीं सकता। माइंड यू, ये बच्चा है छोटा सा नन्ना मुन्ना हमारा बच्चा, ये बच्चा स्कूल जाएगा, इसके लिए भोजन पानी कैसे उसको भेजे, स्वामी पति देवता जाए ऑफिस में उसका व्यवस्था कौन सिखाया, इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर, कौन सिखाया तुमको, संबंध ज्ञान है ना, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है तो हमको ही करना पड़ेगा, हाँ तुम्हारा ही है, हाँ ठाकुर जी तुम्हारा नहीं है इसीलिए तुम सेवा नहीं कर रहे। तो संबंध होने के बाद उविदेव स्वतः शुरू हो जाता है, ये जो उविदेव है ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया, उसके बाद ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को समझ में आया ये ठाकुर जी का सेवा है, शिष्य प्रपंच रचना उसका चिंतन करना ध्यान, ये उविदेव है कि नहीं, असंबंध अगर नहीं हुआ होता तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता हमको क्या करना चाहिए, क्या सेवा करना चाहिए, तो ये उविदेव हुआ। आ सत्यम परम धीमही जो बोला अंतिम में, ध्यान किस वस्तु का किया जाए, पहले भी इसका व्याख्या हमने किया, खंड खंड वस्तु जिसका कोई स्टेबिलिटी है नहीं, जिस वस्तुओं का कोई स्टेबिलिटी है नहीं, आपका अटेंशन उसका ऊपर है, और शास्त्रों में बता रहे हैं कि आपका अखंड वस्तु जे सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य वस्तु का ध्यान करो। अब ये परम सत्य वस्तु अगर हमारा प्राप्ति करने वाला विषय नहीं है तो वाई आई कैन डू भजन, हम क्यों भजन करें, हम भजन भला क्यों करें, भजन क्यों करें, समझ में आई बात समझ में। हमारा साथ ठाकुर जी का संबंध है, हम उनके सेवा करें, और सेवा करने का बाद क्या प्राप्ति होगा, मैं क्या प्राप्ति होगा, हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, यही तो है ना, हम जो भजन कर रहे हैं हमको पागल है, दिमाग खराब हो गया हमारा, हम अंतिम में एक टारगेट है, लुक्रेटिव थिंग, या आपको नौकरी करने के लिए बोले कि महाराज हम नौकरी क्यों करें, और नौकरी में तनख्वाह मिलेगा तुम्हारा 50,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, बाल बच्चा का पोषण हो जाएगा, होगा ना, तो तुम नौकरी चाकरी में क्यों लगे हो, तुम व्यापार में क्यों लगे हो, व्हाट इज द गोल, तुम्हारा एक इंसेंटिव है ना, विदाउट इंसेंटिव कोई हमारा पास लोभ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, व्हाई आई कैन डू, हम क्यों करें, शास्त्रों में विचार में बता, जो शास्त्रों में बताया गया, कोई पागल भी है मंदधीर ओपी न पवर्तते, उद्देश्यम बिना, उद्देश्य कोई टारगेट के बिना, कोई उद्देश्य बेमतलब,
कोई मतलब नहीं है। तो कोई पागल भी है वो कुछ करना नहीं चाहता। मंदधीर ओपी न पवर्तते, वो कम बुद्धि वाले बोले वो ये कर क्यों करे, इसका बीज हमारा क्या मिले। हर आदमी तो जरभरत नहीं है, जरभरत जी का बात अलग है। जरभरत जी को बोलो तो किस काम में लगा दोगे वही करेगा। कोई हां ना क्यों कोई क्वेश्चन नहीं, जो करो वही करेगा। जरभरत तो दुनिया तो जरभरत नहीं है। और फिर जरभरत का आदमी धोरो पकड़ो, जरभरत भी कुछ भी करे जरभरत का वो क्रियाक्रम का पीछे भी उद्देश्य है। जरभरत को मारने के लिए गले को काली मैया का सामने देवी मैया का सामने गले को लगा दिया, काटने का तैयार है। आप बोलोगे तो जरभरत तो बुद्धि कम है और वो चिल्लाता नहीं क्यों, लेकिन शास्त्र बोलते हैं वो भी पागल नहीं है। जरभरत पागल नहीं है, वो तो दिखाता है। जरभरत बोल रहा है हम क्यों चिल्लाएगा, हमारा ठाकुर जी है वो, उसका जो व्यवस्था है जो अरेंजमेंट ठाकुर जी ने किया है ये हमको मंजूर है, जो ठाकुर जी करे वही ठीक है ना। ठाकुर जी जो व्यवस्था करे मेरे लिए ये मेरा मंजूर है, क्यों हमको ठाकुर जी का पास जाना है। तो जरभरत जी उसका भी एक टारगेट है ना। जरभरत जी के टारगेट नहीं है, वो पागल है भजन कर रहा है, उसका भी टारगेट है। क्यों बोले उसका टारगेट ठाकुर जी का पास जाए। पहला जन्म में हरिण जन्म हुआ, बहुत चक्कर काटा, बहुत खराब हो गया, बेमतलब टाइम खराब हो गया। अब टाइम खराब नहीं करें। तो ये जो है कोई उद्देश्य के बिना कोई कोई काम नहीं कर सकता, चाहे बुद्धिमान हो कम बुद्धि वाले हो कोई भी हो। तो यहां जो हमको ध्यान लगाने के लिए वेदव्यास जी हमको प्रार्थना किया, तो वेदव्यास जी को हम कहेंगे महाराज हमको क्या मिलने वाला है, हम तो ध्यान करेंगे ध्यान का पीछे क्या मिलेगा। बोलो ध्यान तो करोगे ही, क्योंकि तुम्हारा सा संबंध ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का सेवा करना विधि तुम्हारा काम है। और स्वयं सुंदर ठाकुर जी जो है ये ठाकुर जी को प्राप्त करना ही तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। तो जो मकसद है अल्टीमेट वस्तु जो प्राप्ति करना है उसी का ही तो ध्यान करे। देखो जड़ जगत का एक उदाहरण दे दे, ये जड़ जगत में अक्सर अक्सर ये देखा जाता है किसी वस्तु किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का अंदर बहुत चाहत पैदा हो गया, आई नीड इट, हम तो प्राप्ति करके ही रहेंगे। कहता है ना ये लड़की को हमको चाहिए ही चाहिए, हम मर जाएंगे मर मिट जाएंगे लेकिन इसको ही चाहिए, ये एक टारगेट हो गया। तो ये जो टारगेट है ये टारगेट जो है ये इसको काम में लगा देगा। टारगेट जो है इसको काम में लगा देना, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्था है करना चाहिए उसी को ओबीदेव बोला जाता है। ओबीदेव तो वही है। तो संबंध ओबीदेव प्रयोजन जो है हमारा, ये तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये आपका ये जो भागवत का पहला श्लोक है इसका अंदर छुपा हुआ है, मिल गया संबंध ओबीदेव प्रयोजन का थोड़ा इंडिकेशन। अब ये जो जन्मादर्श श्लोक का व्याख्या किया, कोई बड़ा विद्वान अगर है तो वो बोले बोले महाराज हाँ अब जन्मादर्श जन्मो आदि अस्य कस्य विश्वस्य यतः ऐसा व्याख्या किया। हम नहीं मानेंगे, नहीं हम क्या मानोगे, बोलो हम मानेंगे दूसरा व्याख्या। बोले कैसे है जन्म आदर्श, हम अगर ऐसा व्याख्या करें जन्म आदर्श यतो, जन्मादर्श नहीं जन्म आदर्श यतो ऐसा व्याख्या किया तो बोले हमारा ये भी होगा। सुंदर व्याख्या जन्म आदर्श, जन्म आदर्श इसका माने क्या है, जन्म आदर्श अभी इसका व्याख्या करने के लिए थोड़ा चैतन्य चरितमृत के लीला में चले जाए। श्रीमान महाप्रभु जी संन्यास लेकर कई जगह गया, आपको मालूम होगा चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए पहले, उसका बाद उत्तर भारत वृंदावन आदि इलाहाबाद काशी वाराणसी इलाहाबाद तमाम जाएगा, सोरो बहुत सारे जाएंगे,
गए ना। तो इसी समय ये श्री चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में रूप गोस्वामी जी को बहुत शिक्षा दिया। रूपो शिक्षा कहते हैं ना, दशा समेत गा रूपो शिक्षा, इसको बोलता है रूप शिक्षा। रूप गोसाई को जो शिक्षा दिया उसका नाम रूपो शिक्षा। सनातन गोसाई जी को वाराणसी में जो शिक्षा दी उसका नाम सनातन शिक्षा। तो ये रूपो शिक्षा देने का चक्कर में प्रभु जी इलाहाबाद में पहुंच गए। और इलाहाबाद में बल्लवाचार्य जी, जिसका नाम है वर्तमान, जिसका टिप्पणी मिलता है भागवत जी का, बल्लवाचार्य जी आए नदी पार करके और प्रभु को दंडवत किए, प्रणाम किए आनंद से एकदम जोर जोर, ठाकुर जी चलो हमारा घर में चलो प्रभु। बल्कि किश्ती जो नौका है उससे चढ़ाकर प्रभु जी को सनातन सनातन रूप गोस्वामी अनुपम सबको लेके वो किश्ती में नौका में बैठकर बल्लभाचार्य सबको बैठा के ले गया अपना गांव पे। इलाहाबाद में अरायल गांव, इसका नाम है क्या, अरायल गांव में वहां जाके प्रभु जी का बड़ा भारी सेवा किया। इतना बड़ा सेवा किया कि मत पूछो। सेवा करते करते आनंद हुआ। और उसी समय एक ब्राह्मण है जो कि महाप्रभु का दर्शन के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ही एक ब्राह्मण प्रभु का दर्शन के लिए उधर पधारे, रघुपति उपाध्याय, इसका नाम बड़ा पंडित। और रघुपति उपाध्याय है तो ठाकुरी ठाकुर जी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया, चैतन्य महाप्रभु समझ गए इसका अंदर में मसला है, बड़ा बड़ी संपत्ति है। और संपत्ति के खोलने के लिए, संपत्ति का जो तिजोरी है उसको खोलने के लिए प्रभु जी को, रघुपति तुम आए हो, अब एक बात बताओ, ये जितना सारे पूरी है ये पूरियों में कौन पूरी सबसे बड़ा है, अच्छा है। और रघुपति एक बार उत्तर दिया, रघुपति जानते हैं प्रभु जी का भक्त है, प्रभु तो जानते हैं, बड़ा मधुपुरी बरा, बड़ा अच्छा बात सुना है, जितना सारे पूरी है द्वारका पूरी आदि सब मधुपुरी अथवा मथुरा सबसे ऊंचा है, ठीक है, बड़ा भाई अच्छा सुना है। और फिर कृष्ण का जो उम्र है, पौगंड आदि कोईश्वर आदि बालकाल का लीला है, पौगंडो फिर उसका बाद कोईश्वर, इन जो फेर है ठाकुर जी का, एक एक ब्रह्मांडों के ठाकुर जी का एक एक लीला पर नित्य है, इसका लिए कोई दोष नहीं है, लीला तो नित्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का बोलने का मकसद क्या है, उसका जो रहस्य है, उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु स्थापना करना चाहते हैं कि आराध्य भगवान भुजस्तनयस्तध्याम वृंदावनम, ये बात ना, इसी दो बात को मसला खोल दिया ना। एक बात तो है बड़ा मधुपुरी बरा, मधुपुरी मथुरा डिस्ट्रिक्ट, इसका अंदर ही तो वृंदावन है, तो एक का उत्तर हो गया। और ये जो है आराध्य भगवान भगवान भुजस्तनयस्तध्याम वृंदावनम, ये जो हम लोग भजन करे ये नित्य किशोर, शास्त्र में बताया जो लोग गौड़ीय भजन करते हैं मधुर रस, वो नित्य किशोर। तो ये जो विषय है इसी भी इसको स्पष्ट किया कौन, रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय को बोला कृष्ण का जो भजन है बाल काल का भजन और पौगंड किशोर, और इसमें से आप किस उम्र का आराधना करना चाहते हो, किसको आप ऊंचा समझते हो, वयो कैशोर कम धेयम, किशोर वयस को हम बोल बोला, अच्छा ठीक है, बड़ा भारी सुंदर तत्व सिखाया मेरे को। अच्छा इसका बात बोलो, जो रस जो बहुत है, हैं रस बहुत है ना, शांतो दासो सख्यो वात्सल्यो बहुत सारे रस है, इनमें से
किन रस का भजन करना है सबसे ऊंचा? तो रघुपति उपाध्याय उत्तर दिया, सीधा उत्तर दिया, अद्दो एव परो रसः, अद्दो एव परो रसः। मापु आनंद से उछल पड़े, वाह बहुत सुंदर सिखा दिया है। वयो कैशरकम धेयम, मथुरा बड़ा, मथुपुरी बड़ा, वयो कैशरकम धेयम अद्दो एव परो रसः। बड़ा अच्छा चीज सिखाया मेरे को, बड़ा अच्छा चीज ये अद्दो एव परो रसः। इसका मतलब तो समझा नहीं, प्रभु तो बहुत आनंद किया लेकिन हमारा तो खपड़ी में आया नहीं, क्या माने इतना आनंद का क्या है, क्यों आनंद किया? वो बोले ये जो सीक्रेसी है, जो रहस्य है, इसका माध्यम खोल दिया। क्या रहस्य है? भाई जितना सारे रस है, तमाम रस, तमाम रस मतलब जिस रसों में आप डूबे हुए हो, जड़ जगत का आदमी जो है, तमाम आदमी, जितना पशु पक्षी है, जितना प्राणी है, सब बिना रस कोई नहीं जीना चाहता है। बिना रस कौन जीना चाहे बोलो? रस तो है ही है, बिना रस संसार कर रहे हो? रस है, रस बिना कोई जीना नहीं चाहता। यहां तो कोई मच्छर को भी मारने जाओ वो भाग जाएगा, अरे भाग क्यों रहे? बोला हम नया नया खून पिए हैं। सुअर को मारने जाओ वो चिल्लाएगा हमको क्यों मर रहा है, हम नया नया टट्टी खाएगा। ये तो आनंद है, उसका रस है। ये एक एक प्राणी का एक एक रस है, तुम्हारा रस एक है। लेकिन जो भी रस है, ये सब रस जो है, ये रस एक्चुअल रस नहीं है। ये जो ये जगत का जो रस है, जो एंजॉयमेंट है, ये जो रस है, ये एक सूचना दे रहा है कि वास्तव एक रस है एक जगह। वह चलना चाहे तो चलो हमारा साथ, संत महात्मा बोलते हैं, चलना चाहो तो चलो। ये रस जो भोग रहे इतना आनंद है, लेकिन ये रस तो कुछ नहीं है। वहां एक रस है ऊपर, वो रस को चखा दे तो आप पागल हो जाओगे। एक दफे इंद्र महाराज जी को सांप मिला था, इंद्र महाराज जी को बड़ा भारी एक सांप मिला था और जगत में आके सुअर जन्म हुआ। सुअर जन्म होने के बाद वो टट्टी पे सब खा रहा है, नीचे इतना बाल बच्चा पैदा कर दिया। और सांप का जो ड्यूरेशन है, सांप का भी तो कोई ड्यूरेशन होता है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी आए, इंद्र चलो स्वर्ग में। हाँ स्वर्ग वो क्या चीज होता है? वहां चलो, तुम तो इंद्र हो। इंद्र हाँ तुम इंद्र हो, स्वर्ग को विस्मरण हो गया तुम्हारा, चलो ऊपर स्वर्ग में चलो। बोलो वहां जाए, वहां क्या टट्टी फट्टी मिलेगा? अच्छा अच्छा टट्टी क्या कह रहे हो बकवास, वहां अमृत मिलेगा? हमको अमृत नहीं चाहिए, टट्टी चाहिए। जोर जबरदस्ती उसको छुड़ा के जब अपना स्वरूप का उद्बोधन हो गया तो बोले हाय राम, हम क्या किया ये सब, इतना सुअरी का साथ संबंध हो के कितना बाल बच्चा पैदा कर दिया और टट्टी पिस्ता में रमन कर रहे। अब बोले यही हमारा चीज है, ठीक है ये इसी जगह छोड़ के हम जाना नहीं चाहे। आप लोगों का भी यही अवस्था हुआ, ये जगह चढ़ के नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, घरवार है, व्यवसाय है, इतना सुंदर है, एसी डीसी लगा हुआ है घर में, गाड़ी में तो एसी लेके रहो, इसी व्यवस्था ज्यादा दिन चलेगा नहीं। काल भी कह चुका, जगत का कोई भी व्यवस्था है, चाहे LIC हो, चाहे प्रोविडेंट फार्म हो, कुछ भी हो, जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। बी केयरफुल अबाउट इट, इसके बारे में सावधान हो जाओ। तो जो है, जो बताना चाहा कि अद्दो रस क्या है, रस तो कई किस्म का है और ये रस में पांच किस्म का भाग है, शांतो शांतो दास्यो सख्यो वात्सल्यो मधुर, पांच हैं ये पांच मुख्य रस, और गौण रस है सात हैं, ये सब मिलके हैं 12। विभत्सो रौद्रो जुगुप्सा इत्यादि भयान भयानक इत्यादि सब रस है, ये है सात गौण रस। ये सारे मिलाकर 12 किस्म का रस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू एंजॉय। ये इसी एंजॉयमेंट में पड़े हुए
लेकिन आपको वास्तव रस का अनुसंधान चले, आपको अगर वास्तव रस का अनुसंधान चले 100% हम सियर है तो ये रस आप नहीं लोगे। किसी को अगर पद्म मधु मिले वो क्या टट्टी पेशाब में जाए, ये भी तो रस है। मधुमक्खी जो है वो शायद मधु छोड़कर किसी का अंदर नहीं है, फूलों का मधु ही इसका आहार है, लेकिन बाहर का जो मक्खी है सो घूम, ये मक्खी क्या कर रहा है, टट्टी पेशाब जखम है खून पसीना कहीं भी हो वो बैठ जाए उधर, है ना। और किसी भी हालत से वो जो मक्खी है ऑर्डिनरी मक्खी वो उसको शायद मधु रख दो उसमें जाएगा नहीं, कि वो उसका अच्छा नहीं लगता, वो जाएगा उधर। आज जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी मधु में ही जाए और इधर नहीं जाएगा, जाएगा टट्टी पेशाब में जाएगा, वो जाएगा नहीं, उसका खाना ही नहीं है वो। तो ये जो वास्तव रस है उसका जो इंफॉर्मेशन अगर मिले, खबर मिले, को ये जगत प्रमाण करता है, सूचना देता है कि अपरागिक जगत में एक वास्तव रस है। ये जगत का जो रस है इसको हमको सूचना दे रहा है कि वास्तव रस है भगवान का धाम, एक जगह ऐसा है जो भगवान का वास्तव रस है, वो जो रस है वो वास्तव रस है। अब उन रसों में भी विभाग है, उन रसों में भी जो मधुर रस है आप वो जो मधुर रसों में भी भाग है, सौकिया परकिया आदि जो वृंदावन का अंत प्रकष्ठ में गोपियों के द्वारा आस्वादित जो रस है वो है, वो मधुर रस है, उसी को आद्यो बोला गया। आद्यो क्यों बोला, भले वही आदि रस है इसी से बाकी रस आया है, आद्यो क्यों आद्यो रस इसीलिए बोला गया जो उसी रसों से बाकी रस आया है स्टेप बाय स्टेप। एकदम आदि कुछ नहीं था अनंत ब्रह्मांड में गोलोक धाम में, गोलोक धाम में भगवान का लीला तो नित्य चल रहा है। अब आद्यो जो है, आद्यो मतलब राधा गोविंदो का बीच में जो रस है वो आद्यो रस है। राधा गोविंदो के मिलित तनु जो गोरंग मापु है, गो मतलब गो रंग, गो मतलब गोविंदो, रा मतलब राधा रानी, गो रा मिलकर गौर बन गया। ये जो गौरंग महाप्रभु है यही आद्य रस का मालिक है, आद्य रस मूल रस आकर रस यही इसका ही एकमात्र अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या तो श्री कृष्ण भगवान, एक ही बात है, जो श्री कृष्ण भगवान है वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। वो परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण या सचिनंदन गौरहरि गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये आद्य रस का एकमात्र मालिक है। ये प्राइम रस आद्य रस, ये आद्य रस से बाकी रस स्टेप बाय स्टेप आए, आद्य रस सोर्स, ये आद्य रस से बाकी रस आया है इसलिए आद्य रस बोला है। तो इसमें जो व्याख्या है जन्म आद्यश यह तो ये क्या गलती हुआ, ये व्याख्या ठीक हुआ। आद्यो रस मधुर रस आद्यो रस आदि रस जिस भगवान से अर्थात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण से प्रकट भए, इस जगत में प्रकटित हुआ है, ये जो है ये आद्यो, इसका बारे में अगर भाई जन्म आदर्श यह तो जिसके द्वारा अन्य व्यतिरिका रेक अन्य और व्यतिरिक के द्वारा ये आद्य रस का ही आद्य रस है, जो रस आप एंजॉय कर रहे हो वो भी आद्य रस का पार्वाटिक रिफ्लेक्शन। ये जो रस आप जिस रस में डूबे हुए हो वो भी आद्य रस का ही रिफ्लेक्शन, पार्वाटिक रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिफलन, आद्य रस छोड़ के कुछ नहीं है। तो ये ठीक है, ये व्याख्या यन्मादस्य यो तो अन्य व्यतिरिक भाव रूप में जो है, तार पर उसके बाद जो सभी को सराट इसको तो व्याख्या कर दिया।
और जो ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रकट हुए सब हो गया। इसका बाद मोटा मोटी हुआ पूरा, बहुत बड़ा व्याख्या होना चाहिए लेकिन व्याख्या करने जाए तो समय चला जाए। एक बात है, भागवत जी का महापुराण, भागवत जी का जो पहला श्लोक, ये सब संबंध विधि प्रयोजन निर्णय किया, सब कुछ किया। इसका बाद एक श्लोक है सुंदर, ये श्लोक का बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले दूसरा श्लोक चर्चा हो जाए, समय मिले तो हम करेंगे। ये श्रीधर स्वामी पाद का जो टीका है, श्रीधरी टीका बोलते हैं, श्रीधरी टीका, श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है, श्रीधर स्वामी जी का जो टीका का ऊपर, भागवत जी का ऊपर जो टीका है, इसका ऊपर एक व्यक्ति टीका किया। श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है इसका ऊपर टीका किया एक व्यक्ति, हम चर्चा करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद का टीका अगर समझ में ना आए तो श्रीधर स्वामी पाद का टीका में क्या लिखा है समझ में नहीं आया। श्रीधर स्वामी पाद का टीका को समझने के लिए बंशीधरी टीका, बंशीधर जी महाराज श्रीधर स्वामी पाद को ठाकुर मानते थे। श्रीधर स्वामी पाद छोड़ के कोई बात ही नहीं उसका जिंदगी में। और श्रीधर स्वामी पाद जी का जो टीका है, टीका का ऊपर टीका लिखा, उसका नाम है बंशीधर जी महाराज, बंशीधरी टीका। श्रीधर स्वामी पाद का जो टीका है उसको व्याख्या किया सुंदर करके, इसका बारे में हम बोलेंगे सुंदर। ओम नमो भगवते, ये श्लोक का व्याख्या करेंगे, इसमें क्या रहस्य है। पहले दूसरा नंबर श्लोक को सुनो। धर्मो प्रज्जित कैतव अत्र परमो निर्म स्वराणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सेवदम त्रापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धति यत्रो कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। क्यों इस श्लोक का पहले उठाया दो नंबर, पहले इसका व्याख्या हो जाए तो समझ में आएगा। ठाकुर जी का जो स्वरूप है ये थोड़ा समझ में आ जाए तो बाकी हर कथा अच्छा लगे। स्वरूप का अगर बोध ही नहीं हुआ तो किसी बात अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस बात को पहले उठा। ओम नमः भगवते इत्यादि जो श्लोक है, सीधा साई बात टीका रचना करने का पहले ही इसको लिखा। धर्मो पज्जितो कैतव अत्र परम निर्म स्वराणम सतम, क्या माने हुआ? धर्मो प्रज्जित कैतव अत्र परम निर्म स्वराणम सतम, काल भी गोकर्ण जी का जो विषय है, भागवत जी का जो महिमा विचार प्रसंग में ये बात को कह चुका। धर्मम भजस्व सततम त्यजो लोक धर्म, बोला ना काल, भाव भूल गया। जैसे कपूर है ना, कपूर रख दो तो ढेला उप के चला गया, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं, मैं क्या करूं। काल बताया था, कई बार बताया, इस बात को उठाया लेकिन सबके ये याद ही नहीं है। ये घट ऐसा है, घटपट है वेदांत में बोल, घटपट बुद्धि। इसमें बताया था हमने गोकर्ण जी महाराज का जो विचार है उसमें हम बताया था, गोकर्ण जी अपना पिता श्री को बता रहे हैं कि पिताजी ऐसा करो, धर्मम भजस्व सततम तेजुलोक धर्मम, बोला ना, धर्मम भजस्व, वास्तव धर्मों का भजन करो, इसी के बारे में तो बोलने बैठा। वास्तव भजन, हाँ, जिसका बारे में हम बोलने बैठे हैं, जो इसका बारे में वो बोला ना सुंदर,
धर्म प्रज्जित कैत्यवत्र, ये जब जो बोला किस धर्म के बारे में, वो गोकर्ण जी महाराज जिस बारे में बोला था ना, आत्मधर्म भागवत धर्म, धर्मम भजस्व सततम सततम हर अनुक्षण, उसी धर्म का चर्चा करो। बाकी जो धर्म है, लोक धर्मो, व्यवहार धर्मो, जो संसार धर्मो, वेद धर्मो, वो सब कुछ नहीं करो। इसलिए एक धर्म का आचरण, धर्मो दो बार उच्चारण किया, लेकिन कोई विशेष है, धर्मम भजस्व सततम अत्यजो लोक धर्मान, लोक धर्मो, देहो धर्म, मन धर्मो, समाज धर्मो, जो कुछ भी है सब त्यजो लोक धर्मान, धर्मान मर बहुवचन, सही सब धर्म को फेंक दो, और दरकार नहीं, कुछ काम का नहीं है। लेकिन कौन धर्म काम में आएगा, बोले भागवत धर्म, धर्म मयस्य सततम, यही है भागवत धर्म, ये जिसका बारे में इधर, इसी धर्म का बारे में इधर उच्चारण किया। दूसरा श्लोक में धर्मो प्रज्जित, धर्मो का स्वरूप क्या है, आप तो बोले भागवत धर्म करो, और हम तो जाने महिमा के बिना किसी चीज पर हमारा मन तो नहीं लगेगा। महिमा ज्ञान अगर हो जाए तो किसी वस्तु में मेरा लगन लग जाए, अरे ऐसा महिमा है तो इसका हम करेंगे। जगत में किसी वस्तु का पीछे आप पड़े हो तो उसका भी महिमा आपको पता है, यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स भाषा में हम जो अभी कथा बोलने बैठे, इकोनॉमिक्स भाषा में आपका जिंदगी में हर जेब वस्तु का पीछे आप दौड़ रहे हो, इसका कोई यूटिलिटी तो आपका जिंदगी में जरूर होगा ना, जब भी आप दौड़ रहे हैव सम यूटिलिटी, बिना यूटिलिटी तो आप दौड़ोगे नहीं। तो जड़ जगत में ये भाषा परिभाषा है, जो किसी वस्तु का यूटिलिटी नहीं है, हम बेमतलब उसका पीछे दौड़ेंगे हासिल करने के लिए, डिग्री आदि सब क्यों पढ़ेंगे भाई, कोई तो यूटिलिटी होगा। लेकिन इसका क्या यूटिलिटी है, जो आप बोलने बैठो लंबा चौड़ा प्रवचन, इसका क्या यूटिलिटी है, मतलब इसका यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी इन्फिनिटी फ्योर्ड, अनंत काल आपका साथ रह जाएगा, अनंत काल इन्फिनिटी फ्योर्ड आपका साथ रह जाएगा। आपका शरीर मर मिट जाए लेकिन ये जो हासिल करोगे भजन करके वो नहीं मिटेगा, इन्फिनिटी आपको अमृत देते रहेगा। इसे बोला धर्मो प्रोज्जितो प्रो उज्जितो, प्रो युक्त उज्जितो, प्रो माने प्रकृष्ट रूप में, उज्जितो ऊर्जा अतः एकदम क्लियर, जैसे सोने को जितना जलाओ उतना कैरेट प्योर गोल्ड मिलते रहेगा, है ना। अब आपका भजन करते रहो, साधन करते रहो, तपस्या मतलब उपवास आदि हरिकथा सुनना ये सब करते रहो तो आपका भी प्यूरिफिकेशन चलते रहेगा। हमारा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, वह चैतन्य महाप्रभु बोला चेत दर्पण मार्जन भव महादेव अग्नि निर्वापन सेव कैर वचन दिखा वितरण विद्यावधुर जीवनम आनंदानुभूति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित्वा स्वादनम सर्वात्मो स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तनम नहीं, श्री कृष्ण संकीर्तन, राधे जी का साथ जो गोविंद है, श्री जी का साथ इनके जो संकीर्तन है, ये सबसे ऊंचा सगाई है, सबसे ऊंचा है, इसके इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये जो प्रो सीधा साई पर देखा गया, प्रो शब्देनो मोक्ष वांछा ओपी निरस्त करता, प्रो ये शब्दों के द्वारा मुख्य वांछा आदि जो है इसको भी काट के फेंक दिया। प्रो शब्दे के द्वारा सिद्ध साईपाद जी बताएं कि प्रो शब्दे नो मुख्य वांछाओ भी निरस्तिक था, मुख्य वांछा आदि भी उसको काट के फेंक दिया, वचन बेकार। मुख्य क्या करें हम, मुख्य का माने क्या है, चिल्ला रहे मुख्य बोल के, मुख्य मतलब अत्यंतिक दुख का निवृत्ति, आत्यंतिक दुख का निवृत्ति, आत्यंतिक दुख का निवृत्ति किसी भी हालत से होने वाला नहीं है। एकमात्र तो भक्ति, एकमात्र तो जो भक्ति है अमृत है, ये छोड़ के होगा ही नहीं। नारद भक्ति सूत्रों में इसको बोला गया सा अमृत स्वरूप। भक्ति का बारे में क्या डेफिनेशन, मतलब भक्ति के बारे में नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया सा अमृत स्वरूप, भक्ति परेशान भव विरक्ति रन्नत्र इत्यादि श्लोक भागवत में आए,
देखोगे भक्ति प्राप्ति होने का साथ साथ आपका हर वस्तु में नफरत आ जाएगा। नफरत वो दरकार नहीं है, क्या करे सब लेके हैं? किसी वस्तु का चाहत बचा नहीं रहेगा हृदय में, किसी वस्तु का चाहत नहीं रहेगा। भक्ति सा अमृत स्वरूपा, भक्ति मिलने का साथ साथ सारे नंगापन का समाप्ति हो जाता है। आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है, आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है, हमको ये चाहिए, वो फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, सारे नंगापन का समाप्ति हो जाए। सारे नंगापन का समाप्ति इसी में है वास्तव भक्ति, नाटक नहीं है। नाटक करने से बहुत नाटक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वास्तव भक्ति जिसका दिल में प्रकट हो जाए तो उसको दुनिया का दुनियादारी का कोई वस्तु से कोई लगन नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो ये जो धर्म जो है भागवत धर्म हम क्यों करेंगे महाराज? भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वो महिमा क्या है, भागवत धर्म के द्वारा हमको क्या मिलने वाला है, इसी का उत्तर। भागवत धर्म कैसा है ना, धर्म प्रज्जितो प्रोजुक्तो, जितो इसका व्याख्या अभी किया, धर्म प्रज्जितो कोइत्तव अत्र, कोइत्तव और अकोइत्तव, कोइत्तव है कितव मतलब कपटता, कपट भाव कितव, और अकोइत्तव धर्म प्रज्जित कैतव, तो है ना कितव और अकितव, अकैतव, अकैतव मतलब कोई कपटता रहित, हमारा अंदर कोई कपट भाव नहीं है, और कपट भाव रहे तो कितव बोला जाता है, और हमारा चैतन्य चरितामृत तो छोड़ के कोई गंध तो है ही नहीं दुनिया में, है कोई चैतन्य चरितामृत तो रहे तो तमाम दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा प्रमाण हम दिखा देंगे। खाया चैतन्य चरितामृत है उसमें बता, उसमें क्लियरली बताएगा क्या धर्म अर्थो काम आदि मोक्ष आचे, धर्म अर्थ काम ये सब क्या है, ये सब कोइत्तव बोला गया, कोइत्तव बोला ना चैतन्य चरितामृत में, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंत ध्यान, धर्म अर्थ है और मुख्य आदि जो कोइत्तव प्रधान, तार मध्य मुख्य वांछा कोइत्तव प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंत ध्यान, धर्म अर्थ काम मुख्य जो है इसमें, मुख्य जो है वो कितव अर्थात जो आपका कपटता का फाइनल टारगेट, आपका जो हृदय में कपटता है उसका जो टारगेट बढ़ते बढ़ते अंतिम जो एकदम एक्सेलेंट पॉइंट में जाए उसका नाम है तार मध्य मुख्य वांछा आपको इतना पता, हमको मुख्य चाहिए। आ गौड़ियों वर्ड का, गौड़ियों समाज वैष्णव लोगों का विचार क्या है, तुम्हार सेवाए दुख है यह तो सेहो तो परम सुख, तुम्हारा सेवा करने जाए उसमें हमारा जितना भी कष्ट मिले, जितना भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए तो उसमें मेरा कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसको प्यार करते हो, लड़का को इतना प्यार करते हो, पोता पोती को, उसका उसका लिए तुम्हारा कितना कष्ट होता है, तो बोले महाराज कुछ कष्ट नहीं, क्यों उसका प्यार है, ठाकुर जी के लिए प्यार है तो सुबह में आना ठाकुर का हरि कथा सुनना ये भी कोई कष्ट नहीं, नहीं तो बोले कैसे जाए इतना इतना किलो दूरी है और जाए तो जाए कैसे जाए, संसार का काम भी है, ठीक है बैठे रहो, कथा का पास कथा रहे और मठ का कथा और घर का कथा। हाँ उस दिन बताया था संतों को सही बात है, बोले मठ का कथा कोई घर में आता है लाता है, मठ का कथा मठ में छोड़ के आना चाहिए और घर का कथा घर में, आए तो मिक्स हो जाएगा, इसमें मुसीबत हो जाएगा। संतों को सिंह महाराज का मुझे पोता जो है, दादी दादी एकादशी का दिन महाराज जी बोला एकादशी में रोटी चावल नहीं खाना, अब क्यों रोटी दे रहा हूं मैं स्कूल का टिफिन पे, चुप हो जा बेटा, काल का बच्चा है, मटका खाता मठ में, घर का खाता घर में, मटका खाते घर घर में लाए काम बनेगा,
जा स्कूल जा। ऐसा ही हमारा शिक्षा। महाराज जी तो कहते ही रहते हैं, महाराज जी का कथा को फोल्ड करके मठ में रख के हम घर जाएंगे, बहुत सुंदर होगा, तब तो हमारा जमेगा ना घर में, अच्छा होगा, ऐसे कैसे चले। ऐसा ही विचार है, सब बोका है। बोले धर्म प्रोज्जित कोई बहुत स्वर्ग मुखो, इसमें सब किताब, धर्मो अर्थो काम सब किताब। धर्मो जो है ये जो ऑर्डिनरी धर्म, भागवत धर्म नहीं, ये समाज का आदमी जो करते हैं ना, मैया लोग सुबह में जाए, एक टोकरी रहता है इसके, एक में लाल, इसमें चंद रक्त चंदन रहता है, सादा चंदन नहीं, इसमें धान रहता है, इसमें दुबली रहता है, एक में सोरसो रहता है, हैं तिल रहता है, एक में जो देवता जिसमें संतुष्ट है दे दो। यहाँ गया इसने एक लोटा पानी चढ़ा दिया, वहां गया सूर्य देव के पानी चढ़ा दिया, इसने शिव जी को देवी मैया को दे दिया, सभी संतुष्ट हो जाए, सोनी देवता को दे दिया, बस सभी संतुष्टि हो जाए। ऐसा भजन नहीं है, ठाकुर जी का भजन करो तो उसमें सारे संतुष्टि हो जाएगा। इसका उत्तर भी दिया हमने कई कई प्रवचन में हर जगह है, यथा तरणमल निसेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणि तथैव अर्हणम उच्यते इज्जा। उच्युतो भगवान का इज्जा तथा पूजा कैसा महिमा है, बोले तमाम एक पेड़ का जो वो जो रूट है, जड़ है, उसमें पानी दोगे क्या, पेड़ में जाके ऐसे पत्ता में ऐसा पानी दोगे, ऐसे पागल है। बोले महाराज जड़ पे पानी दो हो जाएगा काम, तो यही तो शास्त्र में बोला, तुम तो मानते नहीं हो, यही तो शास्त्र में बोला ना, पेड़ में जैसा जड़ पे पानी दो, ऊपर पानी फेंको तो बोले मैया पागल हो गए, ऊपर को पानी दे नीचे में तो सब चला जाएगा, ऐसे शास्त्र भी ऐसा बताते हैं, मानती क्यों नहीं हो। अगर भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करो, पूजन करो, इसी में सारे देवता का संतुष्ट हो जाए, सारे गणेश सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाए, सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाए, बाकी कोई नहीं रह जाए, लेकिन कृष्ण भगवान का भजन करो, इसी में फायदा है। और ये जो धर्म है प्रज्जित को, तो ये सब का व्याख्या किया थोड़ा बहुत, बहुत सारे विस्तृत व्याख्या है, करते चले तो समय नहीं मिले। धर्म प्रज्जित कोइत्व अकोइत्व भजन, धर्म प्रज्जित हैं अकोइत्व अत्र परम निर्मल शरणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलन। अच्छा ये भगवत धर्म, वो जो धर्म है धर्म अर्थ काम मुख, वो धर्म भागवत धर्म नहीं है, ये जो अभी बताए ना धर्म अर्थ काम मुख है आदि यही सब, तार मध्य मुख्य बांधा कैत्य, ये जो धर्म अर्थ ये स्वाभाविक धर्म साधारण धर्म है, जिस धर्म में आप डूबे हुए हो। लेकिन इधर जो धर्म है भागवत धर्म, इसका ही स्वरूप का बोध हो जाए तो दूसरा धर्म में रुचि नहीं रहे, जाजन में दूसरा धर्म का जाजन में कोई रुचि नहीं रहे। धर्मो ये कैसा, इसका बारे में, ये जो भगवत धर्म है ये एकदम उत्कृष्ट धर्म है, सारे किताब से रहित है, और किताब किताब से रहित है, एकदम उज्जित प्रो उज्जित, जैसे उज्जेश्वरी राधा रानी है ना, उज्जेश्वरी क्यों उज्जेश्वरी, अनंत ब्रह्मांड में राधा रानी का जो भक्ति है जो प्रेम है ये सबसे ऊंचा सगा, इसका उपार ये इतना प्योर है, इतना प्योर है ये, इसको उज्जेश्वरी राजा ने ऊर्जा व्रत, ये इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है वो, इसलिए ये प्रोज्जित इतना शुद्ध है ये भागवत धर्मो, जो केवल एकमात्र भगवान का संतुष्टि के लिए ही जाजन किया जाता है, ओनली फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ओनली फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, परम तत्व वस्तु भगवान का संपूर्ण परिपूर्ण संतुष्टि के लिए जो भजन है जो धर्म है उसी का नाम भागवत धर्म है। अब समझो दिमाग में विचार करो, धर्म प्रज्जित कैतव अत्र
परम निर्मसरानम सतम। और ये धर्म एक विशेष है, जे साधारण आदमी ये भजन को करने जाए तो मुश्किल होगा, क्योंकि कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो निर्मत्सर नहीं है। भागवत धर्म एकमात्र निर्मत्सर व्यक्ति का, निर्मत्सर मतलब दूसरे का उन्नति सहन में अक्षम, समझा मेरा बात? नहीं समझा? दूसरे का उन्नति हो जाए इसमें अगर हमारा दिल में जलन हो जाए, इसको बोलते हैं मत्सरता, मत्सर माश्चर्य जेलासी। तो ये जो है ये परम निर्मत्सरानम सताम, ये जो भागवत धर्म है और निर्मत्सर साधुओं का धर्म है। तुम्हारे अंदर में अगर थोड़ा बहुत भी जेलासी है, कुछ है, जलन है, तो ये धर्म होगा नहीं। तुम तो आए हो, कर रहे हो, लेकिन होगा नहीं। कब होगा? बोले ये जो विशेष धर्म है ये निर्मत्सरानम सताम, साधु साधु निर्मत्सरानम सताम साधुओं का धर्म है। तो आप बोलोगे क्या हमारा लिए नहीं है? आ, तुम भी तो साधु बन सकते हो। जब तुलसीदास जी बोलते हैं मिथिला प्रदेश में हर नर नारी सब साधु है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मिथिला धाम में सारे नर नारी जो कुछ भी है सब साधु है। अरे वो तो नारी है। बोले हाँ वो भी साधु। क्यों? बोले साधु का सिम्टम क्या है? बोलो साधु का सिम्टम क्या है? पहला नंबर सिम्टम क्या है? नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। तो नाम गाने सदा रुचि अगर तुम्हारा अंदर में है, तुम भी बड़ा साधु बन जाए, हो गए नहीं? तुम भी बड़ा साधु बनो। चाहे मैया का रूप में है तो क्या है, साधु का तो लिखा हुआ नहीं। साधु तो हृदय होता है, साधु कोई बेस नहीं है, साधु कोई लड़का लड़की ऐसा कोई विभेद नहीं है। साधु साधु तो हृदय होता है, सद्भाव इति साधु, जिसका सद्भाव आया वही साधु। तो नाम गाने सदा रुचि ये लक्षण को इंडिकेशन करते हुए तुलसीदास जी ने बताए कि मिथिला धाम का जितना सारे नर नारी जो कोई भी है सब साधु, सब साधु, चाहे गृहस्थी हो चाहे तैयारी हो, सब साधु। साधु स्वर के कोई नहीं है, सब नाम गाने। हर वक्त राम जी का नाम गान में रुचि है रखने वाला बरखने वाली जो भी है निर्मत्सरानम सतम। तो साधुओं का धर्म है, जो साधु नहीं है तो ये धर्म जाजन करना संभव नहीं है। सताम जो सत्य वस्तु को पकड़ के रखा है, निर्मत्सरानम सताम माने साधु नाम, साधु ही तो सत होता है। अब भगवान सत्य साधु भी सत है। अवेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तपत है, ये जो धर्म है इसको बोध कैसे हो? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये अनंत ब्रह्मांड में ये कोई वास्तव वस्तु बोल के कुछ है तो ये ठाकुर जी छोड़ के कुछ नहीं, ये अद्वैत ज्ञान तत्व। तो एक ठाकुर जी छोड़कर कोई वास्तव वस्तु है ही नहीं, कुछ वस्तु है नहीं। यू कैन नॉट प्रूव, प्रमाण नहीं कर सकोगे, प्रमाण करना समय का है, चाहे कोई भी आए। इससे बोला देखो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये जो वस्तु है ये वास्तव वस्तु है। वास्तव माना नित्य सत्य वस्तु, जिसको सौत व्याख्या किया था कुछ दिन पहले, सत अस्ति रहना नित्य काल, ये सत ये शब्द इसका अंदर में आता है। अस्ति शब्द रहेगा तो सत शब्द रहेगा। अस्ति माने अनंत काल के लिए जो वस्तु का स्थिति है वो सत। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये अत्र वस्तु अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु जो है वो नित्य काल रहने वाला है, इन्फिनिटी पीरियड अनंत काल से यही वस्तु रहे, वही वस्तु रहेगा और भविष्य में भी रहेगा, अभी भी है, पहले भी था। ये त्रिकाल सत्य है, भूत भविष्यत, भूत भविष्यत और वर्तमान, तीन टेंस है ना, तीन टेंस है ना, भूत भविष्यत वर्तमान। ये भूत भविष्यत और वर्तमान काल, ये जो इसका जो बैकग्राउंड है, ये भूत भविष्यत और वर्तमान, ये तीन कालों का बैकग्राउंड जो है, इसमें जो वस्तु नित्य काल सत्य है उसी का नाम है सत्य वस्तु, सद वस्तु भगवान। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, शिव 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 मतलब मंगलमय, शिव मतलब क्या, मंगल प्रदो, शिव दो, शिव दो, शिव मतलब मंगल, दो माने दान करे,
शिवोदो, इसलिए ठाकुर शंकर जी का नाम है शिव, मंगलदान करते हैं शिव शिव। तो शिवोदो शिवदम, शिव अर्थात मंगल को दान करने वाला एक ही है भगवत धर्म। और तापत्र उन्मिलनम, इसका व्याख्या तो काल कर चुका। तापत्र क्या, आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक, ये तीनों ताप का उन्मूलनम, ये तीनों ताप का नाश नहीं है विनाश। ये तीनों ताप का आध्यात्मिक हमने काल बताया, एक एक बार 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 एक एक चीज बोलने से हमारा बहुत खराब लगता है। अनंत कथा सागर है, इसमें एक चीज हम दोबारा नहीं बताते, अच्छा नहीं लगता। को भी विशेष सिद्धांत हो तो बता दिया। तो ये जो है आध्यात्मिक अपने आप में जो जलन है, एक जगह बैठ नहीं सकता, जलन हो रहा है, अभी कभी उधर जाए उधर जाए, ये आध्यात्मिक तक अपना अपने आप में एक जलन होता है, टिकने नहीं देता, एक स्थान रहने नहीं देता, चंचल। ये है आध्यात्मिकता। आदि भौतिक दूसरे भूतिक भूतोग्राम के द्वारा किसी सांप ने डांस लिया, किसी ने मार दिया, किसी ने चोरी करके ले गया, ये किसी भूतों के द्वारा, भूत मतलब ये जितना सारे प्राणी हैं, ये प्राणियों के द्वारा तुम्हारा पास जो कष्ट पहुंचा उसको बोलते हैं आदि भौतिक। आदि दैविक, फ्लड आ गया, भूकंप हो गया, भूचाल हो गया, सुनामी धुनामी हो गया, तो गया सब। ये कहां से आया महाराज, ये आदि दैविक, आदि भौतिक आदि दैविक, हाँ आध्यात्मिक तो बोल दिया पहले, दैवों के द्वारा हुआ। ऐसे तीनों किस्म का जो ताप कष्ट जो है तुम्हारा जिंदगी में पल भर पल पल आपका जिंदगी में आते रहते हैं, एक कष्टों का हाथ से छुटकारा मिला तो पल भर में दूसरा कष्ट खड़ा हो जाता, होता नहीं, बोलो बोलो कसम से, एक कष्टों से छुटकारा मिला तो दूसरा कष्ट खड़ा हो गया। अभी हमारा लड़का जो है बहुत सुंदर पास किया, डिस्टिंक्शन लेके पास किया, बड़ा डिग्री हासिल किया, इतना आनंद, घर में मिठाई का बाहर आया, मैया नाच रही है, पिताजी नाच रही है, दोस्त लोग आया, मिठाई बांट रहा है चारों ओर, हैं आनंद, बोले इतना सुंदर पास किया, कितना सुंदर डिग्री, कितना डिग्री, आनंद का बात। अब उसका बाद लड़का ने बोला, पिताजी तुम्हारा स्कूटर को थोड़ा दे दो हम दोस्त का बाद। अरे तू स्कूटर चलाना नहीं जानता, नहीं देंगे। हत मैया को बोले दे दो ना, क्या तुम्हारा ज्यादा छोटा सा, थोड़ी टाइम के लिए स्कूटर दे दो, क्या है। अब मैया पीछे पड़ गई तो पिताजी दे दिए, जा और लेके जोर से, इतना आनंद है, जोर से स्कूटर चलाया, हाईवे में घुसा दिया, देखा भी नहीं गाड़ी आ रहा है, बस गाड़ी का चक्का का नीचे बस गया बच्चा। तो आधा घंटा पहले आनंद की बार, अभी दुख की बार है ना, इतना आनंद है, अभी रोना ही रोना, कहां डिग्री गया, कहां तुम्हारा लड़का गया, कहां इतना सम्मान है कहां गया, वो तो है ही नहीं। तो सोचो समझो विचार करो, इसमें आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक के ताप को मूल से जड़ से खत्म करने वाला, ये नहीं कि आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापों को नाश कर दे, नाश तो दूर की बात है, एकदम उसको रूट से, फ्रॉम रूट, जड़ से एकदम उखाड़ के उसको फेंक दे। ऐ जो लिखा हुआ तापत्ता उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब एकदम मूल से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, जिंदगी में आएगा नहीं। तापत्र उन्मूलनम, ऐसा भागवत धर्म जो है, अब कहो विचार करके बताओ, ये भागवत धर्मों का जाजन करोगे कि देव धर्म मनोधर्म इसी पे इसी का पीछे ले जाओगे, क्या करोगे आप विचार करो, आप विचार करके बताओ कौन सी धर्म करोगे। ये सब धर्म है भागवत धर्म, ठाकुर जी का भजन के लिए जो भागवत धर्म यही बताया गया। और उसका बाद बताया गया श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः, यह श्रीमद भागवते महामुनि कृते, श्रीमद भागवते महामुनि कृते, इस श्लोक का महामुनि बोल के कई किस्म का व्याख्या आता है इसमें, महामुनि बोल के महामुनि, ये महाशब्दो महाप्रभु महामुनि, महाशब्दो जहां तहां यूज नहीं होता, वो महामुनि यूज किया
तो किसी शास्त्रकारों ने बताया कि ये महामुनि का द्वारा ये नारायण ऋषि जो है मुनि जो है इसका बात है। हाँ ये संभव है, पुराणों में आता है कि नारायण ऋषि जो है महामुनि ये नारद जी को भागवत तत्व का बारे में उपदेश किया था, ये हो सकता, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये हो सकता, ये संक्षेप बहुत संक्षेप भागवत ये तत्व जो है भागवत धर्म श्रीमद भागवते महामुनि कृते संक्षेपत बहुत संक्षेप रूप नारद जी को ये नारायण ऋषि बताया था पहले बहुत पहले, ये माने हो सकता क्योंकि महामुनि कृते श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर आप दूसरे साधन के द्वारा और दूसरे जो भागवत कथा रहते हुए दूसरा कोई शास्त्र साधन का क्या जरूरत है, कोई जरूरत है दूसरा किसी साधन का, तो कोई जरूरत है नहीं कि भागवत का शोभन करो, ठाकुर जी का माला फेरो, भागवत कथा का शोभन करो, महिमा सुनते रहो। श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर शब्दो हृदय वरुद्धते अत्र कृतिभिः सुसुभिः तत्कना, ध्यान देना शब्दो हृदय वरुद्धते अत्र, भागवत जी महापुराण का ऐसा महिमा है, ऐसा ऊंचा महिमा है कि भागवत का दो चार शब्दों हमारा कानों में आए तो कभी भी दिल से जाएगा नहीं। शब्द हृदय अवरुद्धते, ठाकुर जी आके आपका हृदय सिंहासन में बैठ जाएगा, बिना बुलाए आ जाएगा। अरे महाराज हम तो कीर्तन के भागवत कथा सुना, तुमको तो इनविटेशन नहीं दिया, और नहीं दिया फिर भी हम आ गए, हमारा ये काम ही है। ठाकुर जी को बुलाया नहीं, बिना बुलाए ठाकुर जी संकीर्तन भागवत कथा सुनोगे तो ठाकुर जी आके तुम्हारा हृदय सिंहासन में बैठ जाए, राज करेंगे, और हर वक्त हर टाइम श्याम सुंदर रूप को देखोगे, जहां देखोगे वही श्याम सुंदर। गोपियों का बारे में ये बात आता है ना, जहां देखे तो श्याम सुंदर, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, यही तो हो जाएगा ना। यहां देखो यहां श्याम सुंदर, वहां देखो श्याम सुंदर, जहां जाओ वहां श्याम सुंदर, यही तो जिंदगी का मकसद होना चाहिए, गोपियों का यही तो हुआ। तो ये जो सद्दो हृदय वरुद्धते अत्रो तत्क्षणात्, कभी समय नहीं लेगा, सद्दो इंस्टेंट सद्दो हृदय वरुद्धते अत्रो कृति भी सुस्वित तत्क्षणात्। या ये जो कृति भी, ये कृति भी का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया, कृति भी मतलब, कृति भी मतलब सुकृति जिसका जिंदगी में है, बहुत सुकृति, जन्मांतरे भवेत पुण्यो तदैव श्रीमद् भागवतम लभे, जन्मांतर में बहु बहु सुकृति, बहुत किया भक्तिन्मुखी सुकृति, एकदम ऐसा है मां भागवत गुरु वैष्णव का भी सेवा हो गया था जाने अनजाने में, तो आज ये जन्म में किया, क्या किया, जन्मांतर भवित पुण्यों तदैव भागवतम लभे, भागवत भागवत का अनुसंधान मिला, भागवत भागवत प्रवचन सुनने को मिला, ये बहुत जन्म जन्म का सुकृति आपका हृदय में इकट्ठा हुआ, तो आज आगे में चलकर आपको भागवत कथा सुनने में प्रेरणा दिया, तो आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे बैठी हुई हो। तो शब्द हृदय विरुद्ध थे, कृति भी मतलब सुकृति भी, सुकृति अर्थात भक्तिन्मुखी कोई सुकृति आपका जिंदगी में बहुत सारे हुआ, बहुत इकट्ठा हुआ, ओके ऐसा बम्पर सक्सेस हुआ कि इसी जन्म में आपको सत्संग अर्थात भागवत कथा श्रवण का सुविधा मिल गया। कृति भी सुश्रुभि, कृति भी मतलब वो जो सुकृति भी, सुसुभि जो लोग सेवन मुखी है, सुसुभि जो सेवा करना चाहता है और सेवा करना चाहती है, सुसुभि तत्क्षणात्, तत्क्षणात् उसका हृदय में क्या करे, और पुण्यवान व्यक्तिगण सवन स्वयं हृदय धारण करे, सुसुभि सुश्रुभि श्रवणिच्छु, सुश्रुभि मतलब क्या, श्रवणिच्छु, श्रवण इच्छा है ना,
कृति भी सुश्र भी, कृति भी होने से तो सुश्र भी होगा। श्रवण किया जो है वो पहले सुकृति के बिना आ ही नहीं सकता। ये आई कैसे? पहले ये पहले पहले बहुत सुकृति अर्थात सेवनमुखी सुकृति एकुमुलेटेड हुआ, तभी आप सुश्र भी श्रवण करने का इच्छा पैदा। एकदम ट्रिमेंडस, हमको भागवत कथा श्रवण कराओ महाराज। और सुश्री तत्कनाद ठाकुर जी आके उसका दिल में बैठ जाए। और तीसरा नंबर श्लोक जो है, ये तो किसी भी हालत से हमने छोटा छोटा व्याख्या किया, लंबा छोटा व्याख्या में नहीं गया क्योंकि समय भी कम है। और यहां जो है तीसरा नंबर श्लोक, इसे भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए वाला अच्छा होगा। तो फिर निगमो कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृतो द्रव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो कल्पतरुर्गलितम फलम सुखो मुखादमृत द्रव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा अच्छा बात, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम कल्पतरुर्गल, हमारा ये जो जगत है, ये जगत में दो धारा, एक है निगम है एक है आगम है। एक निगम है ये, दूसरा है आगम। निगम कैसे? ब्रह्मा इति चतुर्मुख है कृष्ण सेवन हो, ब्रह्मा इति नारदेर, ये जो है ये है निगम का। आगम क्या है? आगम भी है, शंकरसन बोला शंकर भगवान को, शंकर से धीरे धीरे सोनों का सब कहते कहते आया नीचे। तो आगम और निगम दो धाराएं, दो धाराएं, ये दो धारा, फिर उसका बाद धारा के कई भाग हो गया, फिर चतुर्थ संप्रदाय हो गया, चतुर्थ संप्रदाय का भी धारा है। मेन तो दो ही है, जितना भी धारा है वो निगम और आगम के ऊपर बेस्ड है। दे आर ऑल बेस्ड ऑन निगम और आगम। निगम और आगम दोनों का उद्देश्य टारगेट अल्टीमेटली सेम है। देखने में निगम का ये वे है, आगम का थोड़ा वो दूसरा रास्ता है, बट द अल्टीमेट गोल इज सेम। देखने में लगेगा आगम तो ऐसा है, निगम तो ऐसा है, आगम तो ऐसा है, देखने में है, लेकिन महाप्रभु जी ने बताया दोनों का उद्देश्य एक ही है। आगम और निगम दोनों का अलग नहीं, एक ही है। तो ये जो निगम है हमारा है, ये जो भागवत धर्मों का जो है तंत्र भागवत आदि है, किसी को पता नहीं, इधर अलग सा है। ये जो निगम कल्पत रोड गलितम फलम, ये निगम है, ये वेद को भी निगम बोला जाता है। वेद से, वेद का जो कल्पतरु है, इसका जो है, इसमें से जो पका हुआ फल है वेद का, है निगम कल्पतरु। वेद तो है ही है, और ठाकुर जी ने कंक्लूजन दिया गया वेद में, गीता में साफा बता दिया, वेद क्यों पढ़ोगे, व्हाट फॉर? ठाकुर जी बोला वेदश्च सर्वै रहम वैद्य, सर्व वेद पढ़ने का, पढ़ने का बाद वेदांत तो पढ़ने का बाद चतुर्वेदी हो गया, द्विवेदी हो गया, त्रिवेदी हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली ठाकुर जी का कोई अनुभव नहीं, चाहे द्विवेदी हो चाहे त्रिवेदी हो आज चतुर्वेदी हो कुछ भी हो, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? ठाकुर जी का कोई रियलाइजेशन आया ही नहीं तुम्हारा दिल में, जबकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं वेदश्च सर्व रहम वैद्यो, तमाम वेदों का अध्ययन करो, तमाम वेदांत का छानबीन करो, कि अल्टीमेटली अगर तुम अगर अल्टीमेटली तुमको हम मिले। ठाकुर जी बोला सर्व वेद का पाठ का मतलब है हमारा स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये अगर नहीं हुआ तो किस काम का है, कोई काम का नहीं है, बेकार।
ये जो निगम है वेद कल्पतरु है, ये जो कल्पतरु इसका गलित फल, ये कोई बात हुआ? अब तो फल बोलते हो फिर गलित फल, गलत लिक्विड फल तो होता नहीं, फल लिक्विड कैसे होता है? बोले ये तो एक अद्भुत चीज है, बोले वास्तव वस्तु ये फल जो है रसमय है। फल तो फल में तो आपका छिलका मिलेगा, गुठली मिलेगा, बहुत चीज, लेकिन ये जो फल है भागवत निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो फल है इसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है, कुछ नहीं है, तमाम फलों में रस ही रस, और ऐसा रस है फल को उठाओ और पीना शुरू कर दो, और ये फल ऊपर से आया निमक निगम कल्पतरु गलितम फलम, हमारे ऊपर से आया तो फूट जाएगा, फल अगर ऊपर से गिरे तो फूट जाएगा ना, तो चारों ओर बिखर जाएगा रस। बोले ऐसा नहीं, वो कृष्ण ही थे चतुर्मुख है किस्सो सेवन मुख, धारा के धारा धीरे हाथों हाथ धीरे धीरे आया, इसलिए फल फूटा फूटा नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, समझा मेरा बात? और धीरे धीरे परंपरा के अनुसार हाथों हाथ आते रहे, इसलिए जमीन पे गिरा नहीं, इसे फूटा नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये परंपरा के अनुसार है, तो निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो भी ऐसा फल है जो सुख नामक पक्षी जो है, वो सुख नामक पक्षी वो फल का ऊपर ठुकराया, थोड़ा रस को पिया। और आप देखोगे प्रैक्टिकली दुनिया में जो आप देखोगे, जो फल का ऊपर तोता ने मुख लगाया वो फल ज्यादा मिष्टी होगा, मीठा होगा ना, जो फल था जो फल पंछी ने ठुकराया वो फल का मिठास ज्यादा है, यही जगत में विचार है। तो ये जो है इधर जो है निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो भी सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी जी ने जब ठोकर लगाया तो उसमें रस का जो इंटेंसिटी, रस का जो प्रभाव है वो और बढ़ते चला और सुंदर। सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, सुख ने सुख जी ने मुख लगाया, उसका जो मुख का जो अमृत है उसमें घोल गया और मिठास भर गया। और हमारा वेदव्यास जी कहते हैं कि पीबतो भागवतम रसमालयम, रसमालयम मुहु रहो रसिका वो विभावुका, पीबतो पान करो, ये जो जहर जहर पान कर रहे हो संसार से, संसार को मंथन करते करते जहर पान कर रहे हो, तुम तो जहर पान कर रहे हो, और पीबतो भागवतम, भागवत जी महापुराण का जो रस है इसको पान करो, रसम आलयम, कब तक पियो महाराज? बोले रसम आलयम, बोले ये शरीर छूटने तक, या तो ये शरीर छूटने के बाद भी जब नित्य जगत में जाओगे वहां भी ये रस पान करो। आलयम, आलयम मैने आलयन मैने आलयन मैने सोर्स, रसम आलयम। और आलयम का माने दूसरे टीकाकार दूसरे भी किया है, नित्य धाम तक जाने तक, नित्य धाम में जाने का बाद भी। बोले कैसा है, हमने तो सुना साधन है, साध्य वस्तु साधन बिना कोई नहीं, किसी भी हालत से मिलने वाला नहीं, इसलिए सिद्धांत तो है साध्य वस्तु साधन बिना केहू नहीं पाए, कृपा करी कहो यदि तहार उपाय। राय महाशय राय रामानंद संवाद में आता है, महाप्रभु राय रामानंद जी का सामने बोलते एक दो क्वेश्चन रख दिया, साधो वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय, कृपा करी कृपा करके कहो ये साधो वस्तु जो है उसका प्राप्ति करने का क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था को हम अपनाए कि उसको प्रैक्टिस करते चले और उसमें अल्टीमेटली हमको वो चीज मिल जाए, कैसे इसका थोड़ा व्यवस्था कर दो। और इधर जो है बद्ध जीवों के लिए साधो और साधन एक नहीं है, तुम्हारा लिए श्रवण कीर्तन जो है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बद्ध जीवों का लिए साधो और साधन अलग चीज है, वो साधक साधन जो करे
तुम्हारा लिए जो शोभन कीर्तन जो है शोभन कीर्तन करते चलो, तुम्हारा लिए जो श्रवण कीर्तन है ये तुम्हारा लिए साधन है, तुम प्रैक्टिस में लगे हो, गुरु वैष्णव का सेवा करो, कथा को सुनो, बस ये श्रेष्ठ साधन है, करते चलो। लेकिन ये तुम्हारा लिए साध्य नहीं हुआ, साध्य हुआ अभी, ओ थोड़ा टाइम मिला तो दूसरा गप में लग जाएगा, दूसरा धंधा में लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस श्रवण कीर्तन है, निरवच्छिन्न श्रवण कीर्तन, नाम गाने सदा रुचि, जब तक ना हुए तब तक ये श्रवण जो है, श्रवण कीर्तन जो है तुम्हारा तुम्हारा जिंदगी में साधु नहीं होगा, तुम्हारा साधन है, तुम्हारा भी तो साधन है, सुनते चलो, व्यवस्था साधन है, साधन ठाकुर जी को प्राप्ति करने के साधन है। लेकिन जो पहुंचा हुआ संत, नाम गाने सदा रुचि, ऐसा जो पहुंचा हुआ संत उसका लिए क्या है, भले उसका लिए तुम्हारा लिए जो साधन है श्रवण कीर्तन, उसका लिए स्वयं साध्य है, तुम्हारा लिए जो साधन है ये श्रवण कीर्तन और सिद्ध महात्मा जो, उसका लिए ये श्रवण कीर्तन स्वयं साध्य, कैसा बात है हम समझा नहीं, बोला हाँ उसका लिए स्वयं साध्य, साधन नहीं है वो, साधन तो हो चुका उसका, लेकिन स्वयं साध्य साधन करके जो वस्तु मिलता है वो क्यों, बोले श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका जिंदगी में हर पल भर में ठाकुर जी का स्मृति होता है, हर पल ठाकुर जी दिखाई पड़ता, तो श्रवण कीर्तन जो उसका जिंदगी में वो स्वयं साध्य है, जो श्रवण कीर्तन है वही ठाकुर जी है हर वक्त, है ना, इसका कोई प्रमाण दिखाओ, भागवत से ये तो प्रमाण दिया, और एक प्रमाण दे भागवत जी महापुराण से, वो एक प्रमाण काफी है, एक प्रमाण दे दे, हाँ एक प्रमाण काफी है, बोले ये जो श्रवण कीर्तन है ये स्वयं साध्य है, किसका लिए, सिद्ध जो जो सिद्ध है सबका लिए, ब्रजवासी का लिए तो कहना ही क्या, ब्रजवासी का लिए तो हम क्या कहें, उसका तो तन मन धन हर नस नस में ठाकुर जी का नाम नित्य कर रहा है, और जो सिद्ध महात्मा चैतन्य महाप्रभु बोले तुन्ने तंड विनिरति वितनुते तुंडा बोली लब्धये कर्ण क्रोध क्रमिन घटेत कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम इत्यादि श्लोक का व्याख्या होगा, अरे हमारा जवान तो रोकता ही नहीं, हर वक्त नित्य करते रहता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे चुप करो तो, अभी अभी बाथरूम में जा रहे हो, ये शौच कर्म में इधर भले स्थान काल स्थान काल पात्र कोई नियम नहीं, सर्वक्षण बलो इथे विधि नहीं यार, कि वजने कि सयने किंबा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बलह वदने, इसका भी काला काल विचार नहीं है, टट्टी करने जा रहे हो तब भी हरिनाम बोलो, जहां भी जाओ खाने बैठो वो भी नाम बोलो, क्योंकि कौन जाने कौन जाने, यहां वहां गया तो नाम भूल गया तो मौत आ गया, कहीं भी समय मौत आ जाए, स्थान काल विचार नहीं है। एक दफे एक घटना हुआ, शिख है तो नीलाचल धाम पे गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम आपने सुने होंगे, गौड़ीय भक्त लोग, बक्रेश्वर पंडित का धारा में गोपाल गुरु गोस्वामी, वो गोपाल गुरु ये जो उपाधि है ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने दिया, गोपाल को गुरु उपाधि दे दिया, कौन साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु, क्यों दिया, भले एक दफे ऐसा घटना हुआ, प्रभु जी ने मनुष्य लीला कर रहा है, मनुष्य लीला करते हुए प्रभु बोले शौच कर्म करने के लिए महाप्रभु जा रहे, ठाकुर जी भगवान है फिर भी मनुष्य का माप एक लीला कर रहा है, शौच कर्म करने के लिए जा रहा है, और जाने का टाइम में जीवा नित्य कर हरे कृष्ण 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 हरी हरे हरे राम, तो क्या किया, सुतली देकर अपना जवान को खींचा, ऐसा करके बांध दिया, अब गोपाल ने देख लिया प्रभु जी क्या हो रहा है, बोले क्या करूं, मेरा जो जीवा है मेरा जो जवान है मेरा बस में नहीं है, हर वक्त नाम करते रहता है, अब इसको शौच कर्म में जाए तो क्या होगा, अब इसलिए अभी तो इसको रोक लिया, थोड़ा थोड़ा देर के लिए रोक जा शौच कर्म करे, गोपाल ने हंस पड़ा, प्रभु जी आप ही तो कहते हो स्थान काल नियम नहीं कुछ नहीं है, तो महाप्रभु उसको गाली लगाया, बोला तू ही गुरु है गोपाल, आज से तेरा नाम गुरु हो जाएगा, क्यों तूने सिद्धांत को स्थापन, हम तो बोला था लेकिन स्थापन तूने किया है? प्रभु जी नाम तो कहीं भी समय किया जा सकता, इसका लिए तो कोई स्थान काल टाइम नहीं है, कभी भी करो
सो स्नान करो, स्नान मनाओ, कुछ भोजन करो, घूमने निकलो, बाजार करो, कुछ भी करो, हर वक्त नाम तो चलते रहे, नाम फेरते रहो, और स्थान काल कोई नियम का कोई विचार तो है नहीं। ठाकुर जी मुस्कुराया, गले लगाया, बोला हे गोपाल, आज से तेरा नाम गुरु हो जाए। उसका नाम गोपाल गुरु गोस्वामी हो गया। तो ऐसा ही नियम है, जो आपका जो ये जो आपका ये जो श्रवण कीर्तन है, आपका ये क्या है, साधन चेतो दर्पण मार्जनम, ये प्रक्रिया प्रोसीड्योर चल रहा है, चेतो दर्पण मार्जन का प्रोसीड्योर चल रहा है। अगर पूरा महीना में चेतो दर्पण पूरा सफा हो जाए तो हो गया, काम खत्म। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा गलती है, तुम्हारा अपराध है, इसीलिए तुम्हारा नहीं हुआ। तो चेतो दर्पण पूरा मंजन हो जाए, क्लियर हो जाए, उसका बात तो ठाकुर जी आने पूरा। भागवत का तो शोभन का साथ साथ सुसुभि किति भी सुसुभि सत्कनाथ, इसका व्याख्या किया। अब अभी नहीं हो रहा है, किसलिए नहीं हो रहा है, बोले अपराध है। ताते जानी अपराध अच्छे प्रचुर, अपराध है इसलिए नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है, फल मिलने वाला था अन्य हर हालत में। तो पीबत भागवतम रसम आ रहे हो, तो ये भागवत से एक प्रमाण को हम उठा के इसको साबित कर दे, ये प्रमाण जो है स्थापन कर दे। बोलो मामूली प्रमाण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, इसी को हम आपका सामने पेश कर दिया। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिनन्तिते भूरिदायना। तो यहां बताएगा, पूरा गोपियों ने बता दिया, गोपियों ने एकदम साफा बता दिया। क्या बताया हैं? बड़े तब कथामृतम क्या तप्त जीवनम स्वर्ण मंगलम श्रीमदाततम आ इसको ही भूविगिनंत थे भूरी राजना। ये दान जिन्होंने दिया मत देगा, ये सबसे बड़ा दान है। नाम दान के ऊपर, कथा दान के ऊपर और कोई दान होता ही नहीं, सबसे बड़ा दान ये है। तो गोपियों का हालत कैसा है? गोपियों क्या साधन सिद्ध जीव है? गोपियों जो है वो साधन सिद्ध जीव है नहीं, साक्षात को गोपी क्या भगवान का वृंदावन में अंतरंग अंतर प्रकोष्ठ में जिसका कृष्ण का एकदम कृष्ण सेवा होता है, जिनके द्वारा सबसे श्रेष्ठ कृष्ण सेवा भगवान श्री कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया, गोपियों का ऊपर कोई नहीं है, ताभ्यो ये गोपियों का ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा सेवा जो तन मन धन लगाकर मेरा सेवा में मशगूल है, अपना बोल के कुछ है ही नहीं, अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट बोल के कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट का कोई गंध भी नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट तो दूर की बात है। गोपियों ने तो रसमालयम पीबत भागवतम रसमालयम, रस की जो ये जो सागर, ये जो आनंदमय आलय रस का सागर, ये जो है आलयम रस पीबतो भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक, हे भुवि भावुक, ये भावुक मतलब जिसका दिन में दर्शन क्रिया शुरू हो गया, भावुक मतलब ये भाव प्रवणता, इसको भाव है अंदर में, ये वो सस्ता भाव नहीं है, जिसका अंदर में ठाकुर जी का जो अनुभव आया उसका ही दिल में भाव जो है, ये प्रक्रिया जो प्रोसीड्योर है ये वास्तव है। रसिका भूवि भाव का उसका जो भावना है ये भी भजन है। बाजार का आदमी जो भावना करता है वो तो बेकार है, लेकिन भक्तों लोगों का भावना का मतलब स्मृति, स्मृति में जो भाव आता है, भाव का जो अनुभव है, ये भाव का अनुसार सेवा चलता है ना। जो पहुंचा हुआ जो साधु सन्यासी है इनके जो सेवा है वो सेवा भाव का मुताबिक, हर संतों में भाव है,
वास्तव संत जो है एक एक भाव है, एक एक भाव है, भाव को हम बताया पागल हो जाएगा, ये भी हो सकता। संतों का आप देखते हो ये संतों का कपड़ा नहीं है महाराज, ये संतों का फाटा हुआ कपड़ा है, हम कपड़ा दे देंगे, चप्पल नहीं है चप्पल दे देंगे, ये संतों का अभाव है, हैं? बाजार का आदमी जो है, दुनिया का आदमी जो है, संतों महात्मा का अंदर बड़ा भाव, बड़ा अभाव देखता है, ये तो अभाव है कुछ नहीं है, हम थोड़ा सेवा कर दे ठीक है, अभाव देख रहे हो, अभाव तो देख रहे हो ना। लेकिन चैतन्य चैतन्य सिद्ध है, जत देखो वैष्णवेर व्यवहारिक दुख से परमार्थ से जन परमानंद सुख, तो गुरु वैष्णव संत महात्मा का अभाव देख रहे हो, उसका बाद ये नहीं थोड़ा दे दे तो अच्छा सेवा हो ठीक है। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, तुम्हारा तो कई कई अभाव देखा नजर पड़ता है, नजर में आता है, बहुत सारे अभाव अभाव नजर में आता है ना। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, संत महात्मा का जिंदगी में भाव का कोई अभाव नहीं है। भाव का अभाव है, बहुत वस्तु का अभाव देख रहे हो लेकिन भाव का अभाव नहीं है। भाव तो बड़ा भाव है दिल में, हृदय में इतना बड़ा बड़ा भाव है कि तुम ये भाव का अभाव कभी आविष्कार नहीं कर सकते। भाव का कोई अभाव नहीं है, बहुत चीजों का अभाव आपने देख लिया, डिस्कवर कर दिया, लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है। भाव में फूले हुए हैं। एक दो एक भाव का बारे में हम बता दे, घबरा जाएगा दिल। मैं अयोध्या में एक बूढ़ा बाबा था, बहुत सुंदर भजन करने वाला दिन रात। अब सरजू नदी से प्रातः काल स्नान करने का बाद राम जी का लिए एक घड़ा पानी लेके पिछले 35-30 साल से वो आ रहा है, आज नहीं पिछले 30 साल से काम ही है। सुबह में सरजू में नहाए, नहाने का बाद घड़ा पानी में डुबाए और एक घड़ा पानी लेके मस्तक में लगाकर धीरे धीरे आए और राम जी का सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया। वो पानी से, सरजू का पानी से राम जी का नाना धोना जो कुछ भी है सारे सब हो जाएगा, सेवा का काम। और 30 साल महाराज एक कलसी का यूज व्यवहार करते करते एक कलसी का अंदर में सुराख पैदा हो गया, फूटा हो गया, कोई काम का नहीं रहा। और सरजू का पानी लाए तो पानी फैल जाएगा, तो एक मंदिर का जो महात्मा लोग है, महात्मा जी ये काम करो, ये पुराना जो कलश है इसको मार्केट में ले जाए, इसको फेंक फाक दे मार्केट में दे दे और उसके बाद नया कलश लाए। नहीं नहीं करना। तो क्या करे, ये तो सुराख तो हो ही गया, न सुराख हो गया छोड़ दे, हमारा कलसी हमारा बस रहने, महाराज सुराख कलसी तो क्या करोगे, पानी तो नहीं आएगा, बेमतलब आप, नहीं ये कलश को हम नहीं जाने देंगे। ये बेचारा 30 साल से राम जी का सेवा किया, इसको हम हटाएं हमारे पास रहेगा। और कलसी को क्या किया, कलसी को पानी लगा के ईंट अंदर में ईंट देकर सरजू में आंसू बहाते हुए गया और जाके रोते हुए राम जी का नाम लेके कलसी को पानी में डुबा दिया। भले इसका सत्कार के लिए मंदिर में या भंडारा दे दिया, अब सोचो भंडारा दे दिया ये कलसी का। आप बोलेगे तो महाराज बेकार की बात है, तो कलसी है तुम्हारा नजर में कलसी है, लेकिन महात्मा का नजर में कलसी नहीं है, उसका प्राण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्थावर जंगम जहां देखो सब में प्राण है, सब राम 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 कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने ये मसला को खोला, ये रहस्य को, हरिदास भले हरिदास ठाकुर कह रहे हैं राम महाप्रभु को, ये जो प्रभु आप जो नाम कह रहे हो, आप पहाड़ पर्वत का चट्टी से उसका जो इको इको आ रहा है वो इको नहीं है, वो लोग भी हरिनाम कर रहे हैं पहाड़ पर्वत का चट्टी से, ये पहाड़ पर्वत का चट्टी से वो जो धक्का लग गई जो नाम का आता है गुंजर गुंजन आ रहा है,
बोले ये नहीं है वो स्थावर जंगम जो है, सारे नाम कर रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारा नजर में तो ईको है लेकिन ईको नहीं है, ये प्रतिध्वनि नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये प्रतिध्वनि नहीं है, वो सारे स्थावर जंगम आपका जो हरिनाम है उसका ही दौरान वो पीछे दौड़ रहा है, उन नाम को दोबारा दौड़ रहा है नाम को, हरे कृष्ण बोल के। ये रसिक व्यक्ति जो है जो भाव में डूबे हुए हैं, इसका लिए तो भागवत छोड़ के कोई रस है ही नहीं। बहुत सारे चीज है, रामायण है महाभारत है, श्रवण के लिए बहुत सारे चीज है, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे, पुराण है बहुत सारे, रामायण जी है बहुत सारे चीज है, सारे ये रामायण है, रामायण को पाठ करो ठीक से पाठ करो तब भी आपका मुक्ति हो जाएगा, लेकिन भागवत का साथ किसी का तुलना करो मत। रामायण जी तो है ही है, महाभारत है, बहुत कुछ है, बहुत सारे कई शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्र है, सब दो ब्रह्मों का बारे में हमने परमेश्वर केशव कुशी महाराज का आविर्भाव तिथि में बताया था, एक बात आपने भूल गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द ब्रह्म जो है, शब्द शास्त्र मतलब शब्द ब्रह्म केशव कुशी महाराज, तो ये शब्द ब्रह्म जो अनंत अपार, इसका कोई एंडलेस, ये शब्द ब्रह्म एक एक स्वरूप पकड़ कर हमारे सामने आया, एक ही स्वरूप। लेकिन भागवत जी महापुराण जो है, ये भागवत जी महापुराण के स्वाद किसी का तुलना मत करो, क्योंकि ये तो अनोखा है, भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एव ही। और इसके बाद क्या बोला, भले ये जो निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख सुखदेव गोस्वामी जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी का कृपा के द्वारा आज हमारा जगत में ये भागवत कथा रस का प्रचलन हुआ सही ढंग से, भागवत कथा का जो प्रवाह रस प्रवाह है वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही वास्तविक रूप में हुआ है। तो सुख गाथा अतुल सुधम, सुखदेव गोस्वामी जो प्रवचन किए, और ये जो है सुख मुखाद अमृत तो संयुतम, ये भागवत को मरने तक नहीं है, मरने का बाद जो नित्य जीवन मिले तब भी, अगर मरने का बाद आपको दूसरा जिंदगी मिलेगा ना, अगर सिद्धि लाभ हो जाएगा तो नित्य तो आप नित्य धाम में जाकर सेवा में फंसे, वो तो सर्व सिद्धि एक वस्तु सिद्धि, दो किस्म का सिद्धि है, स्वरूप सिद्धि में आपका अनुभव हो जाएगा भगवान का दास हूं, अपना स्वरूप का बोध हो जाए, इसका नाम स्वरूप सिद्धि। अब वस्तु सिद्धि जब शरीर छूट जाएगा, छूटने के टाइम में एक नया स्वरूप आपको मिलेगा, सुंदर स्वरूप, वो स्वरूप पकड़ कर आप गोलोक धाम को पहुंच जाओगे, या तो साकेत राम भजन करो तो साकेत में जाओगे, तो वहां जाके वैकुंठ में पहुंच के उधर ठाकुर जी का नित्य सेवा मिलेगा, वहां आनंद ही आनंद, आनंद का सागर है, वहां जाके आनंद मिले। तो ये जो व्यवस्था है भागवत जी का साध किसी का तुलना मत करो, ये भागवत का संबंध विधि प्रयोजन आदि सारे तत्व का हमने थोड़ा बहुत व्याख्या कर पाया कि नहीं पाया ठाकुर जी जाने, तो करा अपना जो परंपरा का अनुसार जो कृपा हम पर आया उसी का मुताबिक हम किया, कोई मनमानी नहीं किया, सब हम अनुगत्य में अनुगत्य धारा में, यही एक विशेष है, हम गुरुवर्गों का जो वाणी है वो धारा पे, इसी धारा पे मैं सौत वाणी को स्थापन करने के लिए यहां बैठा हूं। यहां जो बैठा किस लिए बैठा, भले इसलिए बैठा कि ये सौत वाणी को स्थापन करो जो सुना है परंपरा के अनुसार। ओम नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयो सनकादयो सत्रम सर्गाय लोकायो सहस्र सममासतो।
মানে ওম নৈমেষে অনিমেষ ক্ষেত্রে ঋষয়োঃ সনকাদয়োঃ সত্রম স্বর্গায়ো লোকায়ো সহস্র সমমাসত। মহারাজ কুছ সমঝা নেই, থোড়া ক্লিয়ারলি বতা দো। বলে ওম বোল কে শুরু কিয়া, কিউকি ওম জো হ্যায় শব্দ ব্রহ্ম কা আদি বীজ হ্যায়, আদি বীজ হ্যায় না ওম। ওম ইয়ে জো হ্যায় ওম উচ্চারণ করনে কা শূদ্র কা কোই অধিকার নেই, স্ত্রী জাতি ওম মত বললা অধিকার নেই হতা বিলকুল। ওম জো হ্যায় বিশুদ্ধ অবস্থা মে উঠে উসকা কোই অশৌচ হতাই নেই, ও ওম শব্দ কো উচ্চারণ করে। ইসলিয়ে গায়ত্রী কো মাইক মে নেই হোনা চাহিয়ে, কলিকাল কা প্রভাব দেখো, আপ মাইক মে গায়ত্রী হতা হ্যায়, জো গায়ত্রী কিসি কো বোলা নেই জায়গা, ইটস আ ভেরি সিক্রেট থিং, বহু সিক্রেট চিজ হ্যায়। গায়ত্রী কো লেকে ভি মজা শুরু হো গিয়া, গানা শুরু হো গিয়া, গায়ত্রী ওপেনলি বোলনা নেই হ্যায়, সিক্রেট হ্যায়। আর জো ভি হ্যায় ভাগবত মে লিখা হুয়া হ্যায় ওম নৈমিষ অনিমিষ ক্ষেত্রে, দো শব্দ আতা হ্যায়, এক তো নৈমিষে অনিমিষ ক্ষেত্রে, নৈমিষ মতলব নিমেষ ক্ষেত্র, নিমেষ মতলব নৈমিষ ক্ষেত্র, আর নিমেষ জো নাম একই কারণ হ্যায় ইসকা, নৈমিষ ক্ষেত্র ইসলিয়ে হুয়া, দো এক কারণ হাম বতা দে, এক কারণ তো ইয়ে হ্যায় কি ব্রহ্মা জি কো দেবতা লোগো নে প্রার্থনা কিয়া, ব্রহ্মা জি আপ কৃপা করকে ভজন কা এসা এক স্থান বতাও জহাঁ হামারা বিখড়া হুয়া মন জো হ্যায় ভজন মে লগে ও সিদ্ধি হো যায়, এসে এক জগা বতাও। তো ব্রহ্মা জি নে বোলা ঠিক হ্যায় চলো। ব্রহ্মা জি নে এক চক্র কো মনোময় চক্র কে এসে ছোড় দিয়া, দেবতা লোগো বোলা দেখো এ চক্র ঘুমতে ঘুমতে জহাঁ তক যায় ও চক্র কা পিছা করো। ব্রহ্মা জি নে এই চক্র কো ছোড় দিয়া, আর দেবতা লোগো কো বোলা এ চক্র কা পিছা করতে রহো, আর পিছা করকে কিয়া বলে যাও তো সহি পিছা করো, করতে করতে যাহা যাকে চক্র শীর্ণ হোকে একদম টুট কে গির যায় ও জায়গা 100% সমঝ কে রখনা, ও জায়গা সিদ্ধ জায়গা হ্যায়, ও জায়গা আপকা ভজন কা বিলকুল অনুকূল হ্যায়। বলে ঠিক হ্যায়, দেবতা লোগ পিছে পিছে দৌড়া, দৌড়তে দৌড়তে দেখা গোমতী গঙ্গা, গোমতী গঙ্গা আর যাহা অক্ষয় বট হ্যায় মনু আর সতরূপা জি নে ভজন কিয়া, ওহা যাকে শীর্ণ হো গিয়া, কমাল কি বাত হ্যায়, ও শীর্ণ হুয়া উসকা বাদে এক হ্রদ হো গিয়া চক্র কমা, ওহা আগর কোই গিয়া হোগা মালুম হ্যায় ও হ্রদ মে কুদো মে নাহো তো ঘুম ঘুম কে নহানা পড়েগা, চক্কর মে সারে আদমি নহা রা হ্যায় আর ঘুম রা হ্যায়, চক্কর কাট রা হ্যায়। বলে এই ক্যা কারণ হ্যায়, ও চাক্কা হ্যায় চক্কর হ্যায়, আপ সংসার চক্র মে হো আর ওহা ও রথ কা চক্কর কাটোগে সংসার চক্র টুট যায়গা, ইসিলিয়ে চক্কর কাটো, চক্কর তো কাটনা হি হ্যায়, চাহে সংসার চক্কর কাটো ইয়া তো হ্যাঁ, তো ইয়ে কেসা হ্যায়, বলে ও যাকে শীর্ণ হো যায়। আর এক বাত হ্যায় নৈমিষ ক্ষেত্র মে ঋষিও নে বড়া ভারি ভজন কিয়া, ওহা বড়া এক দুষ্ট দানব থা, ও দানব জো হ্যায় বহুত উদম মচায়, ভজন নেই করতে থে, তো ঠাকুর জি প্রকট হোকে এক নিমিষ কা অন্দর পল ভর মে ও দৈত্য কো নাশ কর দিয়া উসি জঙ্গল মে, তো নিমিষ কা অন্দর নিমিষ পল ভর মে, নিমিষ মে তো পল ভর পলক ঝপক, এ দোনো কারণ তো হমনে বতা দিয়া, और ज्यादा व्याख्या करने का दरकार नहीं। इसमें दो शब्द है, एक तो है ओ नैमेश अनिमेश क्षेत्र, अनिमेश क्षेत्र जो है ये पावन क्षेत्र है, अनिमेश ये जो अनिमेश शब्द है ये बहुत पवित्र स्थान है, अनिमेश क्षेत्र जहां जाग यज्ञ आदि भजन करने का लायक है, इसका लिए इसका नाम क्या हो गया अनिमेश क्षेत्र, বিষ্ণু ক্ষেত্র, অনিমেষ ক্ষেত্র বিষ্ণু ক্ষেত্র ভি বলা যাতা হ্যায়, অনিমেষ ক্ষেত্রে ঋষয়ো সনকাদয়ো, ঋষয়ো বহুবচন সনক আদয়ো, সনক
आदि जितना सारे ऋषि है, 88,000 ऋषि क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया। बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, बड़ा यज्ञ, ओम स्वाहा बोल के यज्ञ चल रहा है। वो कितना दिन का यज्ञ है महाराज, सहस्र सममास, हजारों साल का यज्ञ है। अरे महाराज, हमारा यज्ञ तो एक घंटा दो घंटा कम से कम हुए, हजारों साल का यज्ञ है, हजारों साल का, कई टन घीव जो है, घीव जो है असली घीव उसमें दिया जाएगा, स्वाहा स्वाहा बोल के असली घीव। तब का जमाने में कोई मिलावटी नहीं था, तो आपको मिलावटी है। सत्यम स्वर्गायो लोकायो, तो ये सत्र है सहस्र सहस्र सममास, एक हजार साल तक ये यज्ञ चलेगा। ऐसा प्रस्तुति लेकर हजारों साल तक, हजारों साल तक, हजारों साल तक ये यज्ञ चलेगा, ऐसा प्रस्तुति लेकर ये यज्ञ का आयोजन हुआ। ऐसा ही व्यवस्था हुआ, हजारों साल तक चले, व्यवस्था जो है बड़ा व्यवस्था है, यज्ञ चलेगा। हजारों हजारों ऋषि आकर बैठ गया, ठीक है चलो। लेकिन एक बात मेरा धक्का लगा दिल में, वो कौन सी बात, सत्रम स्वर्गायो लोकायो, ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले ये यज्ञ किस लिए होता है, बोले स्वर्ग प्राप्ति है तभी, हाँ स्वर्ग प्राप्ति है तभी, हजारों साल तक हम यज्ञ करेगा स्वर्ग प्राप्ति है तभी, भाई इतना चिप हमारा टारगेट है, स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाएगा, दान पुण्य करो कुछ करो सब स्वर्ग प्राप्ति होता है, पाप मत करो, इतना छोटा सा टारगेट है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। टीकाकरण ने बोला तुम बोका हो, स्वर्ग का मतलब ये, अरे महाराज स्वर्ग का मतलब तो भूर भुव स्वर, स्वर्ग तो यही आता है, काउंट होता है भूर भुव स्व महो यनो तपो सत्व। आप बोलते हो स्वर्ग ये नहीं है, नहीं ये स्वर्ग नहीं है, कौन सी स्वर्ग है तभी। टीकाकार ने बताया ये हजार साल तक इतना तपस्या, इतना कष्ट कर रहा है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, इतना चीप टारगेट है, इतना सस्ता टारगेट है। बोल नहीं आप समझा नहीं, बोले क्या समझे, बोलो समझाओ आप। टीकाकार ने बोला स्वर्ग मतलब क्या है, स्वर्गीयते जस्व नाम तस्व लोकाय, सर मतलब जो लोक में भगवान का कीर्तन हर वक्त चलते रहता है, वो जो नित्य धाम है, वो जो गोलोक धाम है, वो उसको प्राप्ति करने के लिए। सर गियते हैं, सर गियते सर, सर में जहां स्वर्ग में जो सबके द्वारा ब्रह्म संगीत में आता ने, वहां जो चलना है वो गमनम नित्य, और कथा बोले तो संगीत हो जाता है ना ब्रह्म संगीत, कोई भी कथा बोलो वो गान हो जाता है, और चला किसी भी जगह चलो इधर उधर से और नित्य हो जाता है, ऐसे सुंदर भंगिमा है ना। वो कौन सी जगह है, क्या बॉम्बे है, नहीं वो तो है ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का धाम है गोलोक धाम, जहां नित्य करो तो नित्य करो, नित्य तो है ही है, गमन करो तो नित्य हो जाएगा, कथा बोलो तो वो भी कीर्तन हो जाए, सोए रहो तो परिक्रमा हो जाए, सोयन सहन दंडवत हो जाता है, चलो तो परिक्रमा हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, ऐसा अद्भुत धाम है। तो स्वर्ग यते हैं तस्व लोक प्राप्त, स्वर्ग यते जिस लोकों में गाना होता है ठाकुर जी का कीर्तन हर वक्त होते रहते हैं, हर वक्त का नॉन स्टॉप, ये जो लोक है गोलोक धाम है, तस्सो लोक प्राप्त ये, तस्सो लोकस्य प्राप्त ये, से वो लोक को प्राप्ति करने के लिए, अर्थात गोलोक धाम को प्राप्ति करने के लिए ये स्वर्गोलोक को प्राप्ति, सबको तो सस्ता चीज है स्वर्ग प्राप्ति, क्या बड़ा कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाए बोले हमारा दादाजी का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास हो गया स्वर्ग जाके क्या करे दादाजी, स्वर्गवास हुआ तो स्वर्ग में जाके फिर धक्के लगाकर फेंक देगा इधर जाओ, खीने पुण्य मत्तलोकम विशंति, दान पुण्य का जो रिजल्ट है, जो पूंजी पूंजी है
वो धन दौलत है जो इकट्ठा किया दान पुण्य करके है, वो पूंजी तो खत्म हो गया। और जैसे फाइव स्टार होटल में पैसा खत्म, खेल खत्म, तो पैसा खत्म, जाओ बाहर। अभी अब कोई सुनना नहीं चाहता कुछ बात, पैसा खत्म तो आनंद भी खत्म। ऐसा स्वर्ग में जाओ तो अप्सराए हैं, अप्सराए हैं, बहुत सारे कल्प वृक्ष है, बहुत सारे मौज ले लो, मजा है, मस्ती ले लो, लेकिन कब तक रहोगे लोग, कब तक ये मजा लेते रहोगे, कब तक? बोले खीने पुण्य मुतलकों की शांति, जब तक ये दान पुण्यों का जो फल है आपका साथ, ये जो फल ऊपर लेके गया आप, ये जब तक खत्म ना है तब तक रहने देगा। उसके बाद धक्के लगा कर फिर जा भाग, आए ये थोड़ा बहुत रहने, नहीं एक पल भी रहने नहीं, भाग, एक धक्का, एक धक्का लगा के फेंक दे सर्वलोकायो। इसलिए बुधा इधर सत्रम सर्गायो लोकायो सहस्व सममासतः। तो ये बात समझ में आया आपका। अभी व्यास जी का वर्णन तक हम आज चर्चा करेंगे, इसका नेक्स्ट जो श्लोक है इसका बात तो बहुत जल्दी आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि भागवत का पहला स्कंद जो है ये अगर दो चार महीना तक हम व्याख्या करते रहे, छह महीना तक कुछ नहीं होगा। ये पहला स्कंद, एक एक नंबर पहला स्कंद, छह महीना तक खाली पहला स्कंद, पहला स्कंद था। कुंती देवी का व्याख्या एक महीना लग जाएगा, धीरे धीरे व्याख्या विचार करो, रसमय व्याख्या। तो ये जो है तो एकदा तू मनयो हो प्रातो रुतो दग्नयो हो सत्कृतम सुतम आसीनम प्रपुच्छ मिदमारत मिदमादरत। तो एकदा तो मैंने ये लोग जो है सनकाद ऋषि, तो एकदा तू मुनयो हो प्रात बजे प्रातोर हुतो हुताग नयो हो। प्रातो काल में स्वाहा बोल के आग में आहुति दे रहा है, फाय आहुति दे रहा है। ए आहुति का समय में तो एकदा तू मुनयो हो प्रातोर हुतो हुताग नयो हो सत्कृतम सुतमासिनम प्रपुच्छ मिदमादरा। अब इतने में क्या हुआ, सुतोदेव गोस्वामी आ गए। ठाकुर जी का क्या खेल है, कोई बुलाया नहीं, कोई नौता नहीं भेजा। यहाँ भागवत का प्रवचन में देखोगे सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता नहीं भेजा, कार्ड नहीं भेजा कि महाराज आओ है। सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता भेजा था, कोई इन्विटेशन लेटर तो कैसे आ गया? बोले ठाकुर जी का निजी जन है, उसका भाव ही ऐसा है, जहां ठाकुर जी प्रेरणा दे, संत महात्मा जो पहुंचा हुआ वो कुछ भी करता है ठाकुर जी का आदेश का अनुसार, उसका दिल में आदेश चलते रहता है। और आपका लिए तो कितना पोता का बिहा, पोता का अन्नप्राशन, कुछ भी करे, पहला जो राइस है मुख में भात दोगे, कितना इन्विटेशन देते हो ना, बड़ा बड़ा इतना फला बड़ा बड़ा कार्ड लिख के भेजते हो, आप आओ निमंत्रण है, उसी दिन हमारा पोता का पहला चावल जाएगा मुख में, जगन्नाथ का प्रसाद देके बड़ा भारी उत्सव होगा, आओ। मेरा ये कहना है कि जब तक दिल से विषय न छूट जाए, हम ये मजा मस्ती में कह देते हैं कि जब विषय भी रहेगा ठाकुर जी भी रहेगा, ये होगा नहीं, दोनों में एक रहेगा। तुम कहोगे कि महाराज हमारा लिए ऐसा कृपा कर दो, ठाकुर जी भी रहेगा विषय भी रहेगा, वो हो ही नहीं सकता, होगा? प्रभुपाद जी का कहना है ठाकुर जी थोड़ा माया मिलावट करके हमारा पास आओ, ऐसे मत आओ, थोड़ा माया को मिला दो, जैसे चाय में थोड़ा थोड़ा शक्कर मिला दो तो टेस्टी हो जाता है, ऐसे ठाकुर जी आएगा नहीं। ठाकुर जी आप आओ तो सही, लेकिन थोड़ा माया मिला कर आओ जिसमें मेरा सुविधा हो जाए, बिना माया तो हमारा होता ही नहीं, थोड़ा माया मिला के आओ तो होगा नहीं। चाहे माया को पकड़ो, वस्तु को पकड़ो, ये परम वस्तु को पकड़ो, दोनों में एक नहीं। अगर वस्तु ये जो जड़ जगत का वस्तु, इन सब चीजों से जब मन उब ना जाए, कपूर का माप कपूर है ना, एक कपूर का डाला रख दो, काल देखोगे गायब कहां गया, उब गया ना। जब तक ये मन इस दुनिया में रहे कुछ नहीं होने वाला, जब ये दुनिया का टेस्ट से मन उब गया तो हो गया। एक उदाहरण दे दे, ठाकुर जी का कृपा हो तो एक कथा का साथ साथ ही आपका जिंदगी में वैराग्य का प्लावन आ जाए,
एक कथा के साथ साथ अगर आप में कोई एक जीवात्मा है, जब सिंसियर होता है कोई जीवात्मा तब तो वो एक कथा का साथ सही उसका भगवत प्राप्ति होना हर हालत में संभव है। एक उदाहरण दे दे, हमारा वृंदावन जी, वृंदावन में लाला बाबू बोल के, लाला बाबू का मंदिर, और जानते हो कोई गया? हाँ महाराज, हम वृंदावन घूम के आए, पूरी कचौरी खा के, मालाएं खा के, खूब वृंदावन घूमा। हाँ अब आशीर्वाद दे दो, वृंदावन घूम के आए। हाँ हमारा पास क्षमता कहाँ है कि आपको आशीर्वाद दे, वृंदावन घूम के आप जाओ, अपना इच्छा टिकट किया तो जाओ घूम के आओ, हमारा आशीर्वाद चाहते हो, हम बोलो वृंदावन मत जाओ, इधर आओ हमारे पास, हम तो यही मेरा आशीर्वाद है, आओ मेरा पास बैठो, इधर कहाँ जा रहे हो, हम तो यही बोलेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है, फटकार देंगे और बोलेंगे ये संतो बड़ा कड़ा है, इसको छोड़ के चले जाओ, अच्छा है। हम तो आपको वृंदावन जाने के पहले आपको जोर जबरदस्ती कान पकड़ कर ले जाएंगे गंभीरा मंदिर है चैतन्य महाप्रभु का, पूरी धाम में ले जाए, इसका रहस्य हम खुलेंगे बाद में। क्यों आप वृंदावन जाने नहीं दोगे? नहीं, हम पहले कथा सुनो उसके बाद आपको जोर जबरदस्ती कान पकड़ के ले जाएंगे। कहां? बोले गंभीरा मंदिर में, पूरी में ले जाएंगे। पूरी में? हम तो वृंदावन देखना चाहते हैं। आप वृंदावन देखोगे लेकिन पूरी में चलो, पूरी में ही वृंदावन दर्शन होगा। गुरु जी का चरण में अगर वृंदावन दर्शन हो जाए तो सबसे बड़ा बात, गुरु जी है, गुरु वैष्णव है, उसका सामने ही वृंदावन आपका सामने प्रकटित हो जाए तो इससे बरकत तो कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा ऊंचा है। लाला बाबू जी बड़ा भारी करोड़ों करोड़ों संपत्ति का मालिक है। लाला बाबू का जो दादाजी है, लाला बाबू का जो बचपन में जो पहला चावल देता है ना अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में गोल्डन फॉयल, आप तो इनविटेशन भेजते हो कार्ड बना के प्रेस में छपाते हो, लेकिन लाला बाबू का दादाजी है वो सोने का जो फॉयल है, गोल्डन फॉयल, जैसे आप खाना को पैकेट करते हो ना, है किस में पैकिंग करते हो, वो ये चांदी का जैसा है फॉयल आता है ना, फॉयल में पैकिंग करते हो, लेकिन दादाजी क्या किया, वो सोने का फॉयल बनाया, फॉयल बना के हजारों हजारों आदमी को वो सोने का फॉयल में पत्र खत लिखा, जो आप आ जाओ निमंत्रण, आ सोने का फॉयल आपका ही है, वापस देने का जरूरी नहीं है, इतना बड़ा सोने का फॉयल है उसका कीमत कैसा है, वो सारे आदमी को सोने का फॉयल में नौता भेजा, सब हमारा पोता का अन्नप्राशन है, आप सब यू आर ऑल इन्वाइटेड, आओ और इधर भोजन करो, आनंद लो, मारा ऐसा बात है। ये जो लाला बाबू जी है, ये लाला बाबू जो है वो बिजनेस को संभालने के लिए बड़ा व्यस्त था। दादाजी तो बुढ़ा हो गया, दादाजी बाद में चले भी गए, और पूरा बिजनेस का जुम्मेवारी सब आया किसका ऊपर, लाला जी का ऊपर। लाला बाबू जी ने इतना बड़ा बिजनेस है, कई किस्म का बिजनेस है, आपका तो एक किस्म का बिजनेस होगा, उसका कई किस्म का बिजनेस है, सारे बिजनेस का पूरा कंट्रोलिंग लाला बाबू का जो ब्रेन है उसमें कंप्यूटर का में चल रहा है। तब का जमाने तो कंप्यूटर नहीं था, 100-150-200 साल पहले का बात कह रहा हूं। और लाला जी ने एक दफे छुट्टी का मरसूम था, छुट्टी का दिन और बारिश, वो क्या हुआ, लाला जी घर में बैठ के जितना सारा पेंडिंग हिसाब है, हिसाब किताब, इतना बड़ा खाता लेकर उसमें पेन लेकर हिसाब करे, उस कैसा कैसा इनकम हुआ, कैसा खर्चा हुआ, सारे लिख रहा है। और वहां क्या हुआ, बाहर में उसका नौकरानी उसका जो लड़की है, लड़के को, शाम ढल गया, अंधेरा छा जाएगा, जल्दी केले का जो छिलका है उसमें बासना में आग दे दे, बासना बोलता है बांग्ला में, बासना, एक केले का जो छिलका है उसको सुखा दे, उसको बासना बोला जाता है, उसको जला के किस किस्म का खार अर्थात जो तो कपड़ा आदि धोते हो ना सर्फ से, ऐसा निकालता है। और वो बोली मैया, वो बोली अपना लड़के, शाम ढल गया, इतना देर कर रहा है, जल्दी बासना में आग लगा दे। और लाला जी का कान में अरे आया, बासना में आग लगा दे, तुरंत अपने हाथ से कलम गिर गया और सोचते रह गया, क्या बोला, बासना में आग लगा दे, बहुत देर हो गया, शाम ढल गया,
अरे दिमाग में आ गया, हमारा तो जिंदगी जा रहा है, 60 साल पूर्ति हो गया, हमारा जिंदगी जा रहा है और हम किस चीज में फंसा हुआ है। बस एक ही शब्द, वो तो बोला बासना में आग लगा दे, केले का छिलका में आग लगा दे। उसका दिमाग में ठाकुर जी, वो जो चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु का निवास कहां होता है? चैत्य गुरु का निवास कहां है? चैत्य गुरु जो अंतर से शिक्षा देता है कहां है जानते हो? कोई जानता है चैत्य गुरु? ये जो है बैठने का जो जगह है मूल, ये मूलाधार है, मूलाधार चक्र। इसका बाद ये बाद में हम व्याख्या करेंगे, अभी नहीं। मूलाधार चक्र है ये बैठने का जो है, या पद्मासन में बैठेंगे यह मूलाधार है। इसका बाद उठते उठते यहां एक चक्र है, यहां एक चक्र, कंठ में चक्र है, यहां एक चक्र है मस्तिष्को में। योगी लोगों का विषय हम बाद में बताएंगे, व्याख्या करेंगे। तो यहां जो है, ये जो है आज्ञा चक्र, इसमें रहता है साक्षात ठाकुर जी अर्थात चैत्य गुरु। किसी को पता नहीं, को बोलते चैत्य गुरु इधर रहते, नहीं, चैत्य गुरु इधर रहता है, इधर। और चैत्य गुरु अगर चाहे तो तुम्हारा जिंदगी अभी बदल दे, अगर तुम्हारा उपहार संतुष्ट हुआ पल भर में, एक शब्दों में, एक शब्द काफी है, एक शब्द काफी है। वो जो शब्द आया उसका जो मीनिंग हृदय में बैठा, बोला तो वासना में आग लगा दे, लेकिन वो जो वासना में आग लगा दे इसका मीनिंग क्या है, वो ये जो है अंदर से जो चैत्य गुरु है इसका एक्चुअल माने बता दिया। अरे वासना तोरा जो काम धंधा है इसमें आग लगा दे, चूल्हे में जाए, चूल्हे में जाए तेरा काम धंधा, चूल्हे में जाए तेरा चिंता भावना, चूल्हे में जाए तेरा कितना वासना है, कामनाएं हैं, सब चूल्हे में जाए, सब आग लगा दे। महाराज हैरान की बात है, लाला बाबू के हृदय में ये माने जो है ये पैदा हो गया। और लाला जी बोला तेरी की, तेरी की बोल के सब फेंक कर उसी रात को चले गए। एक कपड़ा, सोचो सही, करोड़ों 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 जायदाद का मालिक है, उसी रात को किसी को बिना बुलाए सब फेंक फाक के चला गया और जाके भजन शुरू किया। कहां जाए लाला बाबू, किस गुरु आश्रय किया, बहुत सारे कहानी है। और सिद्धि लाभ हुआ लाला जी का, लाला बाबू का सिद्धि लाभ हुआ, और आपका सिद्धि हो नहीं रहा है क्योंकि आप मेरा साथ गड़बड़ी कर रहे हो। हैं? आप अपना साथ अन्याय मत करो, हमारा साथ छोड़ दो, आप अपना साथ अन्याय मत करो, आप अपना साथ अन्याय कर रहे हो, हमारा क्या आएगा जाएगा? पूरा जिंदगी तुम अपना साथ अन्याय किए हो, कथा सुनने के बाद तुम्हारा दिल में होश आ जाए तो ये होश ही काफी है आपको ठाकुर जी का चरण में ले जाने के लिए, काफी है। निगम कल्प तरूर गलिताम फलम शोको मुखाद अमृत दव संयुतम पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वांछा कल्पतरु से के बासिंद व्यवचा पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो।